क्योंकि आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और वो है पावर ऑफ रीपर्चेस। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हैंडओवर करूंगा आज के सेशन को संजय जैन जी को। उनके साथ इस सेशन को लेंगे नरसी ग्रेवाल जी, माधव सिंह जी और विजयपाल सिंह। आपको पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि ग्लास अब 400 मिलीलीटर का हो गया है, लेकिन हमें अभी भी 200 मिलीलीटर पीने की आदत है। तो आज संजय जी बताएंगे कि 400 मिलीलीटर के ग्लास में 400 मिलीलीटर का चेक कैसे बनता है। तो आप लोगों को अपने अपने चेक्स को 4 लाख तक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पहुंचाना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, इसके ऊपर संजय जी बहुत बेहतर तरीके से आज हमें समझाने लगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, संजय जी को वेलकम करूंगा और उनको बोलूंगा कि प्लीज इस सेशन को आगे बढ़ाएं और हम लोगों को समझाएं कि पावर ऑफ रीपर्चेस क्या है। आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट संजय। संजय, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर अ हिस्टोरिक सेशन। आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक टुडे, सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वंडरफुल सेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन को लेने के लिए, और इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ये मौका मुझे मिला है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज से 18 साल पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब मैंने लोगों को प्लान दिखाया था। आज जब कभी मिलते हैं सर, बताते हैं लोग कि सर आपके प्लान दिखाया था, आपके प्लान दिखाने से आपने जो मुझे बताया था उसकी वजह से आज मैं डायमंड हूँ, अलग अलग लेवल पर हूँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से मैं आपको ABCD सिखाने वाला हूँ। रेगुलर प्लान की तो नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं आज बात करूंगा रीपर्चेज में कैसे हम बढ़िया काम कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम अपने नए मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं, इनके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है पावर ऑफ रीपर्चेज। पावर ऑफ रीपर्चेज ये एक बहुत बड़ा पावर है रीपर्चेस के थ्रू, जिसको शायद कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज के इस सेशन को अटेंड करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा विजन मिलेगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको क्या मिलने वाला है वो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले बता देता हूँ, ताकि आपको उम्मीद रहे कि आज आप यहाँ से क्या लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन मैं एक दावा करना चाहता हूं कि आज इस पूरे प्रेजेंटेशन में ये ऐतिहासिक प्रेजेंटेशन होने वाला है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में याद रखने वाले हैं कि आज कभी हम लोगों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया था, सारे के सारे डायमंड बैठ करके इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया था, हमने कुछ कमिटमेंट बनाया था और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये एक ऐसा दिन होने वाला है जो ऐतिहासिक बनने वाला है। हम सब उसके गवाह बनने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये मौका देने के लिए हम सारे लीडर्स आपका, डायरेक्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको जो आज मिलने वाला है वो नंबर फर्स्ट तो ये मिलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कि आज आपके मन, बुद्धि और दिल को विश्वास हो जाएगा कि आप निश्चित तौर पर 2 लाख रुपए की कैपिंग पर पहुंचने वाले हैं। वैसे तो 4 लाख की कैपिंग पर पहुंचेंगे। आपके पास में कैपिंग पर कैसे पहुंचना है फर्स्ट परचेज के माध्यम से, ये सारा कुछ ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हमारा फोकस रहने वाला है वो सिर्फ रीपर्चेस पर, हम कैसे 2 लाख की कैपिंग पर पहुंच सकते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मन, बुद्धि और दिल से यदि कोई चीज हम समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे जीवन में आ ही जाता है, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। नंबर सेकंड जो आपको मिलने वाला है कि आज आप तय करने वाले हैं कि कब आप इस 2 लाख की कैपिंग को हासिल करेंगे। बहुत सारे आपको क्लैरिटी आएगी आपको ये, लेकिन पक्का पता चल जाएगा आज आप डिसाइड करने वाले हैं कि अब 2 लाख की कैपिंग कब मिलने वाली है। इस प्रेजेंटेशन के अंत तक आप लोग निश्चित तौर पर अपनी अपनी मुट्ठी बांधने वाले हैं और एक कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। 4 चीजें मैं बताने वाला हूँ, 4 में से तीसरी जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी हासिल करने के लिए आपको एक बहुत ही सफल एक स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर की जाएगी, एक कामयाब रूपरेखा। कामयाब रूपरेखा का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी उस प्लानिंग पर चल के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चेक्स बनाए हुए हैं, एक बहुत अच्छी रणनीति। जब हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस की रणनीति क्या है इस पर डिसीजन होता है, इस पर हम तय कर पाते हैं कि वास्तव में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये 4 चीजें मेरे ख्याल से हो गई है।
जो मैं आपको बताने चाहता था, और इस पूरे प्रेजेंटेशन से चार चीजें आपको मिलने वाली है। हो गई चार चीजें? नहीं हुई अभी। चौथी चीज जो आप जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि जब भी हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ये है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, ऐसे करके बार बार लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और इस इश्यू को बार बार उठाते हैं। आज मैं आपके साथ में इस इश्यू को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ, और ये जो सवाल है ये ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, सवाल तो रहने वाला है, लेकिन इस सवाल को कितने अच्छे तरीके से आप डील करेंगे उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चौथी चीज आपको ये मिलने वाली है। मैं अकेला नहीं हूँ इस पूरे प्रेजेंटेशन में, मेरे एक और तीन साथी हैं जो इस पूरे प्रेजेंटेशन को लेने वाले हैं। उनमें है मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जो हमारे इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर हैं, बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं, और उनके साथ में बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम में हर लेवल के लोग हैं क्राउन एम्बेसडर सबके, और बहुत अच्छे तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। आज नरसी ग्रेवाल साहब को परिचय के मोहताज नहीं है। आज ना केवल सेफ शॉप में लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनका लोग फख्र के साथ में नाम लेते हैं। इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 4 लाख की कैपिंग पर पहुंच सकते हैं। ना केवल ग्रेवाल साहब, आज हमारे साथ में मिस्टर माधव सिंह जी हैं। माधव सिंह जी का नाम सेफ शॉप में मतलब बच्चा बच्चा जानता है, क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर है, और माधव सिंह जी ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। टीम मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट में इनकी मास्टरी है, टीम बिल्डिंग में इनकी मास्टरी है, इनके साथ में भी बहुत सारे डायमंड्स की टीम है, डायमंड और अबव लेवल के लोग इनके टीम में मौजूद हैं। ये आपके बारे में बहुत शानदार सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तीसरे हमारे लीडर हैं मिस्टर विजय पाल सिंह जी, वो भी क्राउन एम्बेसडर हैं, और इनको एक बहुत अच्छी रणनीति बनाने के लिए हम पहचाने जाते हैं। इनको हम प्लानर बोलते हैं। जब भी कोई इनको टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को कैसे नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं मिस्टर विजयपाल जी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं। आज जो मैं आपके साथ में बातचीत करने वाला हूँ, रजत सर ने बताया जैसे कि अभी तक हमारे पास में 200 ml का ग्लास था, लेकिन अब 400 ml का ग्लास भी आपके पास में है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप 200 में संतुष्ट हैं या 400 आप लेना चाहेंगे। मेरे ख्याल से हम में से सारे लोग 400 ml के जो ग्लास है उसको जरूर कंज्यूम करना चाहेंगे। यहाँ पर भी मैंने कुछ एक प्रेजेंटेशन के लिए सामने रखा हुआ है कि अभी तक जो हम ले रहे थे छोटी वाली जो बास्केट थी उसमें जो पैसे दिखाई दे रहे हैं वो हम अर्न करने के लिए मेहनत करते थे, हमें पता भी नहीं था कि हम अब जाकर के एक बड़ी इनकम भी ले सकते हैं। लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया और हमारे लिए सारी चीजों को ओपन किया, और अब हमारे पास में दूसरे तरह की अर्निंग भी जो है हमारे पास में मौजूद है। दूसरी अर्निंग क्या है हमारे पास में कि अभी तक हमारे पास में नेटवर्किंग ओनली विथ फर्स्ट परचेज, ये सिर्फ एक ऑप्शन था जिसके थ्रू हम अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे थे, हमारे पास में सिर्फ एक तरीके की अर्निंग थी। लेकिन कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले नेटवर्किंग विथ रीपर्चेस विथ लॉयल कस्टमर्स, ये एक ऑप्शन भी ओपन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकेंड ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन से बहुत ज्यादा और बहुत स्टेबिलिटी आपको इस बिजनेस में प्रदान करने वाला है। हम तो मास्टर हो गए 18 साल से फर्स्ट परचेज को कैसे मेंटेन करना है, फर्स्ट परचेज में हमने कैसे सेल्स निकालनी है, कैसे अपने बिजनेस को ऊपर लेकर के जाना है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ये जो रीपर्चेस का जो सिस्टम है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसमें हमें कैसे काम करना है, कैसे कामयाब होना है, इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, यदि आपने फोकस कर लिया तो ये एक ऐसी अर्निंग रहने वाली है जो वास्तव में आपके पूरे बिजनेस को स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व प्रदान करने वाली है। आपसे मैं पीछे फिर से दोबारा से जाता हूँ और एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल इनकम थी तो हमने लोगों को इस बिजनेस में फर्स्ट परचेज सेल कर करके हमने अपने आप को यहाँ तक पहुंचा लिया है, हम डायमंड बन गए, हमारे घरों में खुशियां आ गई, हम इतनी 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 लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर ली जिनका हम शायद सपना देखा करते थे। ना केवल हमारी जिंदगी बदली, हजारों लोगों की जिंदगी बदली। कब? जब कोई इंसान इसमें सिर्फ एक बार जिंदगी में फर्स्ट परचेज लेकर के आता है
और इस तरीके से हम रिकमेंडेशन करते हैं तो हम यहाँ तक पहुंच गए सिर्फ ये काम करके। लेकिन आप कल्पना करके देखो कि जो व्यक्ति आ रहा है वो व्यक्ति यदि लगातार, यदि कोई हमारे साथ में 10 साल से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति हमारे साथ में 12 साल से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कंपनी की फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, यदि ये नेटवर्क में आपके सारे के सारे लीडर्स एज ए कंज्यूमर लगातार सालों साल तक यदि आपका परचेस करते रहते और हर महीने आपको 200 बीवी का 100 बीवी का यदि कंजम्पशन किया करते और उसका यदि कमीशन आता तो आप सोचो कितनी बड़ी स्टेबिलिटी रहती। लेकिन कोई बात नहीं है, और ये कंसेप्ट जिसके आधार पर ही ये हमारा पूरा डायरेक्ट सेलिंग काम करता है ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी आप देखिए, यदि हम यहाँ पर हैं, आज इस बिजनेस में कामयाब हैं, सारे के सारे डायमंड लेवल के सारे लीडर्स के साथ में मेरी बातचीत हो रही है, तो हम कामयाब हैं तो सिर्फ इसलिए कामयाब हैं कि आज से 18 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले जब भी हमको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी, हमारे पास कुछ ना कुछ विजन था, हमारे साथ कई लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया था, लेकिन हमने डिसीजन लिया और इस बिजनेस में हम कामयाब होकर के यहाँ पर अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज फिर थोड़ा सा विजन को एक्सपांड करने की जरूरत है। यदि हम विजन को एक्सपांड करने के लिए तैयार हैं और आगे फ्यूचर कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं तो दोस्तों बिलीव करो, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में बहुत अच्छी अर्निंग आप इसमें रीपर्चेस में ले सकते हैं। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो एक प्रेजेंटेशन में कहीं तो भी ये बताया गया था, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की एक स्टोरी शेयर की थी। ये एक बहुत बड़े राइटर है वर्क एजेस जिन्होंने इस बुक को लिखा था और इस किताब में काफी अच्छे ढंग से एक उदाहरण के माध्यम से बताया था कि दो दोस्त हुआ करते हैं जो जिन्होंने डिसीजन लिया, जो पानी भरा करते थे बकेट में लेकर के, रोज उनका काम था कि घरों घरों तक उनको पानी पहुंचाना पड़ता था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को ध्यान आया, एक दोस्त को ऐसा लगा कि यार क्यों ना हम इतनी मेहनत करते हैं, एक काम करते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं। पाइपलाइन बिछाने का विचार जो है पहले दोस्त के मन में आया, दूसरे दोस्त के साथ में शेयर किया, लेकिन दूसरे दोस्त ने हंसी उड़ाई कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। और पहला जो दोस्त था उसने डिसीजन ले लिया कि कोई बात नहीं है, कठिन काम होगा, लेकिन मैं जो डेली काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ पैरेलल में मैं पाइपलाइन बिछाने का काम करूंगा। और वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और ये जो दूसरा दोस्त था वो उसकी खिल्ली उड़ाता रहता है कि ये काम तेरे से कभी नहीं हो पाएगा, और वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। लेकिन ये उसी समय में सारा कुछ करने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि सारे घरों में वो पाइपलाइन बिछा देता है और उस पोजीशन पर पहुंच जाता है जहां पर बगैर किसी एफर्ट्स के, लीवरेजिंग के साथ में वो अपनी अर्निंग को लीवरेज कर पाता है। और ये जो दूसरा दोस्त था वो कहीं ना कहीं बूढ़ा होने लगता है, शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता है जितनी वो कर सकता है। ये एक अकेली बात, ये एक अकेली कहानी मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग भी अटेंड कर रहे हैं सारे लोगों ने इस कहानी को जरूर सुना होगा। इसी कहानी से इंस्पायर होकर के वास्तव में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और कहीं ना कहीं आपने भी बिजनेस को इसी वजह से कहीं ना कहीं ज्वाइन किया होगा और आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम इस विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं नेटवर्क में जाता था, स्टेज पर जाता था, स्टेज से मैं हमेशा लोगों से बोलता था कि मैं यहाँ कुछ और करने नहीं आया हूँ, कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ पाइपलाइन बिछाने आया हुआ हूँ। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो कल के दिन जब प्रोडक्ट इस पाइपलाइन के अंदर डाले जाएंगे तो हम सारे लोगों की अर्निंग, वो लोग जो इस पाइपलाइन को अपने अपने शहरों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे तो उनके घरों में बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। और दोस्तों ये बोलते बोलते वो समय भी आ गया जिसका जब फर्स्ट टाइम रीपर्चेस को इंट्रोड्यूस किया गया था मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हमने और हमारे कुछ लीडर्स ने मिलकर के पहले दिन से उसको प्रमोट करना शुरू किया। आपको याद होगा कि 7 लाख की कैपिंग भी लीडर्स ने अचीव की है और 4 लाख की कैपिंग भी अभी लगातार अचीव करते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो विजन था और उस विजन पे काम करके हमने काम करना शुरू कर दिया। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले केबल टीवी आया, फिर टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल सिस्टम आया, मोबाइल के टावर जगह जगह लगाए गए, कॉर्पोरेट कंपनी की जितनी कंपनियां थी कॉर्पोरेट में उन सारे लोगों ने कोशिश की कि जिसके जितने खंभे गड़ जाएंगे उसका बिजनेस उतना ज्यादा हो जाएगा। और हुआ भी यही, उस समय जिन कंपनियों ने इंटरेस्ट लेकर के अपने टावर्स लगा दिए
वो कंपनियां आज बहुत बढ़िया एंजॉय कर रही है। ठीक इसी तरीके से जिस कंपनी ने अपने अपने सेट टॉप बॉक्स जिन जिन घरों में पहुंचा दिए हैं आज वो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रही है। अभी आपको समझना पड़ेगा कि सारी चीजें तेजी से बदल रही है। आप देखिए किस तरीके से लोगों के पास में विजन होता है, जो दौड़ लगा देते हैं वो दुनिया उनकी हो जाती है। और मुझे भी कभी किसी ने समझाया था कि जितनी ज्यादा दौड़ लगा दोगे ये उतनी जमीन आपकी होने वाली है, और मैंने दौड़ लगा लगा करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। आज हमारे जो नेटवर्क में जो लीडर्स हैं वो भी इन्हीं सारी चीजों को यूज करके अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, और इस तरीके से सारी चीजें हमारे सामने है। पहले किराने की शॉप हुआ करती थी, सुपरमार्केट आए, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि हमारे सामने दुनिया बदल जाती है और कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हम कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं लेने की वजह से पीछे रह जाते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे बैठे हम फोन पे ऑर्डर करेंगे और प्रोडक्ट्स हमारे घर पर डिलीवर होंगे? 35 से ज्यादा फूड एप्स हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं। आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं और खाना आपके घर पर होता है। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा समय नहीं बीता हुआ है, कुछ दिन पहले हमारे सेमिनार्स होते थे जहां हमारे ऑडिटोरियम में लोग आते थे और हमें ऐसा लगता था कि जब लॉकडाउन हुआ तो अब हमारा काम कैसे होगा, हमारी मीटिंग्स कैसे होगी, लेकिन अल्टरनेटिव निकला और आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हजार लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। इसी हजार लोगों की मीटिंग को अरेंज करने के लिए आपके सामने सारी चीजें किस तरीके से हुआ करते थे। अभी भी कुछ लीडर ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अभी हम जूम पर कैसे प्लान देंगे, जूम पर कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी लीडर हैं जो जूम पर बैठे बैठे उन्होंने, आप ये समझो कि हमें सेफ शॉप के इतिहास की सेकंड लार्जेस्ट सेल करके दिखाई हुई है जस्ट आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन। और हमें ऐसा लगता था कि जब तक तालियां नहीं बजेगी, हल्ला नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही है। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है। लगातार जब हम एक ही एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, तो हमारा माइंड उस तरीके से काम करना सीख लेता है। फिर उसमें थोड़ा सा भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हमारा माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और इस रिटेल के लॉन्च होने के बाद में, रीपर्चेस के लॉन्च होने के बाद में, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि अभी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा, हम सेल कैसे करेंगे, सेल्स लाइन में तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक फियर है जिसकी वजह से वो चाहते हुए दिख भी रहा है सब कुछ, लेकिन वो कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज नहीं कल आना तो सबको पड़ेगा, या तो आप अभी डिसीजन लेकर के तुरंत अभी काम करना शुरू कर दो, या फ्यूचर में जब लोग कामयाब होंगे तब आप उनको फॉलो करोगे। किस श्रेणी में लेना चाहोगे, पहले वाले में या सेकंड वाले में? निश्चित तौर पर आप पहले वाले में रहना चाहोगे जहां पर डिसीजन लेके आगे बढ़ जाना है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, यदि आप मान लीजिए कि जयपुर में रहते हैं, हम सारे लोग जयपुर में, और हमें दिल्ली की तरफ जाना है, पैदल दौड़ लगाना है, तो कौन व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा? सीधी सी बात है, जो सबसे पहले चल देगा। कुछ लोगों ने एक महीने पहले शुरू दौड़ लगा दी है, किसी ने 15 दिन पहले दौड़ लगाई है, किसी कोई आज दौड़ लगाने वाला है, तो मुझे बताओ किसके आगे रहने की संभावना है? जिसने आज से एक महीने पहले दौड़ लगा दी है वो पहले पहुंचने वाला है। और लगातार आप इस बात को समझ लें कि आज नहीं कल आपको करना पड़ेगा, और जब भी हम किसी काम को करेंगे निश्चित तौर पर चैलेंजेस आने वाले हैं। ये चैलेंज नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन जब हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी तो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे तो धीरे धीरे सिस्टम इस्टेब्लिश होंगे और धीरे धीरे हम उसमें परफेक्ट होंगे। यदि आप सोचते हो कि सारी चीजें पहले परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा, उसके बाद में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको सारी चीजें देखनी है। कुछ चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंज है? नंबर फर्स्ट, लोग बोलते हैं कि आई विल स्टार्ट इन माई टीम वैन, जब मैं स्टार्ट करूंगा जब बहुत सारे रिटेल आउटलेट खुल जाएंगे। बहुत सही सोच रहे हैं आप, यदि आप सोच रहे हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरफ आपकी सोच है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को करके दिखाया हुआ है। और दोस्तों, चाहे कंपनी हो चाहे लीडर हो, लीडर अपने सिस्टम बनाएंगे, वो तभी बनेंगे जब वो काम करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलेंगे, सिस्टम्स एस्टैब्लिश होने वाले हैं। वो लीडर जिन्होंने डिसीजन लेके अपने नेटवर्क में बातचीत करना शुरू कर दी है,
वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो लीडर जो सोच रहे हैं कि अभी मैं देखूंगा, सोचूंगा, करूंगा, तो फिर उनके साथ में वही स्थिति बनने वाली है। आपका माइंड दो तरीके से काम करता है। यदि माइंड सोच लेता है कि इस काम को करना है तो करने के रास्ते दिखाना शुरू कर देता है, और आपका माइंड यदि ये डिसाइड करता है कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा तो नहीं कैसे हो पाएगा, उसके वो सारे कारण आपको गिनाना शुरू कर देता है। तो ये एक छोटा सा कारण हो सकता है जो हमारे दिमाग में हो कि जब सारे आउटलेट खुल जाएंगे तभी करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, आउटलेट का मैं विरोधी नहीं है, आउटलेट आज नहीं कल खुलने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, जो आउटलेट शुरू होगा उसके बाद शुरू करेगा, या जिसने काम शुरू कर दिया, जिसने सेल निकालना शुरू कर दिया, जिसकी सेल बूम कर रही है, और जब आउटलेट खुलेंगे तो कौन आगे रहने वाला है? थोड़ा सा विचार करके देखना मेरी बातों को। और कंपनी की प्लानिंग में आज नहीं कल ये सारी चीजें होगी, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप डिसीजन लेके आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो जाए, सारे महारत हासिल कर दें, हम पूरे एक्सपर्ट बन जाए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद में काम शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एनर्जी बार आपको खोलना है, खाना है, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टूथपेस्ट को सेल करके या एनर्जी बार को सेल करके, जब सारे प्रोडक्ट नहीं आए थे, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे दो चार आए थे और एनर्जी बार आई थी, तो सारे लीडर ने एनर्जी बार को सेल करके 7 लाख रुपए के चेक बनाए थे। सिर्फ एक टूथपेस्ट को सेल करके यदि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप पूरा का पूरा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास में इतनी बड़ी टीम है, कैसे होगा आपको विजय पाल जी बताएंगे, कैसे होगा माधव जी आपको बताने वाले हैं, कैसे होगा ग्रेवाल साहब अगले सेशन में बताने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होगी, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत भी होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि प्रोडक्ट को यूज करने से, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करके कस्टमर से आप बातचीत करोगे और उसकी तरफ से जब रिस्पांस मिलेगा तब ज्यादा सीखोगे, या आप सोचोगे कि नहीं पहले मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, सारी चीजें समझ लूं, उसके बाद में मार्केट में जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। सारे प्रोडक्ट धीरे 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 आप लर्न करोगे, समझोगे, सारे सिस्टम्स एस्टैब्लिश होंगे, कुछ आपके लीडर्स बताएंगे, कुछ कंपनी और कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन डिसीजन अभी हमको लेना है कि हम दौड़ लगाना शुरू कर दें या फिर इंतजार करते रहे कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी फिर हम दौड़ लगाना शुरू करेंगे। ये आपको सोचने की जरूरत है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, जब सस्ते प्रोडक्ट आएंगे तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप 2 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट लेकर के आओगे तो मार्केट में ये सवाल रहने ही वाला है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और इसको कैसे काउंटर करना है, मैं आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में आपके साथ में शेयर करूंगा। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है, जो कस्टमर की साइकोलॉजी होती है उसको हमें समझना पड़ेगा, जिसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि डिलीवरी जब फास्ट हो जाएगी तब हम अपना बिजनेस करेंगे। डिलीवरी फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताओ, जब कंपनी को पता ही नहीं है कि हमें ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, किस आधार पर कितना बड़ा और कैसा सिस्टम वो एस्टैब्लिश करेगी, और हमारे यहाँ के जितने भी लीडर हैं वो तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ काम करते हैं। आज जो भी सिस्टम बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑर्डर ही इस तरीके से आते हैं। और इस ट्रेनिंग के बाद में मुझे पता है कि ऑर्डर बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन कंपनी आपको हिस्सेदारी दे रही है, कंपनी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि इस कंपनी को किस तरीके से, या तो आप कंप्लेंट करो या फिर कंपनी को सहयोग करो, ये सिस्टम एस्टैब्लिश होंगे। आज से साल भर बाद, आज से 6 महीने बाद हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी प्रॉब्लम कभी आई थी। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो एक टीथिंग प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो नेचुरल है कि जब आप काम करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम वहां नहीं है जहाँ काम ही नहीं है। तो अभी आप देखो, आप काम करना चाहते हो तो प्रॉब्लम रहेगी और हमेशा रहने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम कम जाता और उस पर कैसे हम ठीक करेंगे, इस पर कंपनी लगातार काम कर रही है। हमारे स्टाफ के सारे लोग बहुत सीरियस है और बहुत सिंसियर है, जो आपको एक से एक लाजवाब सिस्टम बना के देने वाले हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, बड़ी हंसी आती है मुझे, कि जब मैं फर्स्ट परचेज से कैपिंग हासिल ले लूंगा उसके बाद में मैं अपनी ये रीपर्चेज का काम शुरू करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब अच्छी सोच नहीं है। आफ्टर अचीविंग कैपिंग फ्रॉम प्रमोटिंग फर्स्ट परचेज, उसके बाद में हम रीपर्चेज की कैपिंग के लिए अपना काम शुरू करेंगे, ऐसा कुछ लीडर सोचते हैं।
और जो सोचना गलत है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी फर्स्ट परचेज पर कोई कैपिंग नहीं भी आ रही है तो यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में डायमंड लेवल पर, रूपी लेवल पर आप सिर्फ रीपर्चेस से 2 लाख की कैपिंग पर पहुंच सकते हो। आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें काम कैसे करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है वो करके आप इवन एमरल्ड लेवल पर, रूबी लेवल पर आप 2 लाख की कैपिंग को हासिल कर सकते हो। इसके बारे में आपको विजयपाल जी बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। एक थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, अड़चनों का सिद्धांत। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब हम कोई काम करना, मतलब जब हम घर से निकलते हैं और घर से निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो पहली बार गाड़ी चलाता है, पहली बार ड्राइव करना शुरू करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार इतनी भीड़ में मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। लेकिन आप देखो कि जब हम गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो अपने आप जगह बनती जाती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कितनी भी भीड़ होगी, कितना भी ट्रैफिक होगा, लेकिन यदि आप तय कर लेते हैं कि मुझे निकलना है घर से, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें, रास्ते मिलते जाते हैं, आपको स्पेस मिलता जाता है और आप जब आगे बढ़ते जाते हैं तो यदि आपने चलने का डिसीजन ले लिया है तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। और आप सोचोगे कि नहीं, घर में बैठ करके मैं तब निकलने वाला हूं जब सारी की सारी लाइट जो है ग्रीन सिग्नल हो जाएंगे, हर तरीके से रोड खाली हो जाएगा, सारी आपको बिल्कुल आपके हिसाब से सारी चीजें हो जाएगी, तभी हम घर से निकलेंगे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप तो बस चलना शुरू कर दो, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हमने भी रीपर्चेस के लिए प्लानिंग की थी तो इतना आसान नहीं था, लेकिन जब हमने पहली बार रीपर्चेस के बारे में मीटिंग ली, दूसरी बार मीटिंग ली, तीसरी बार मीटिंग ली, तो हर बार हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया, हर बार नए नए सिस्टम्स हमने इंट्रोड्यूस किए, हर बार नई नई चीजों को हमने अपने सिस्टम में डेवलप करके, उसको इनकॉर्पोरेट करके, नए नए सिस्टम बना करके उसको आगे बढ़ाया। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप डायमंड लेवल के लीडर्स हैं। आज आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को ओपन करने की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताऊंगा कि यदि आपको तैरना सीखना है, यदि आपको स्विमिंग करना सीखना है, तो क्या ठीक रहेगा? हम किताब पढ़ के स्विमिंग करना सीखेंगे या स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर के हम इंतजार करते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे कि मैं बस अंदर ना उतरूं, स्विमिंग पूल में ना जाऊं और तैरना सीख जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यदि आपको स्विमिंग करना सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप तैयार हैं तो धीरे 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 करके आप तैरना जरूर सीख जाएंगे। ठीक इसी तरीके से रीपर्चेस हमारे लिए एकदम बिल्कुल नहीं है, अभी अभी हमने शुरू किया है। लोग के सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब, प्रॉब्लम, सारी चीजें ठीक होने वाली है। तो अभी हमको डिसीजन लेना है कि हम सारी चीजें ठीक हो जाएगी तब शुरू करेंगे या शुरू कर दें, प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे हम ठीक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इसको आपने डिसाइड करना है। यदि आपका माइंडसेट, न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट, आप नए तरीके से सोचोगे, नई उम्मीदों करोगे, नए तरीके से अपना बिहेवियर बनाओगे और नई सोच के साथ में आगे बढ़ोगे, तो आपके रिजल्ट्स भी कुछ नए तरीके से आपको मिलने वाले हैं। ये रीपर्चेस के बाद में आपकी जो रिकॉग्निशन है बहुत फास्ट होने वाली है। इसके बाद में मिस्टर माधव सिंह जी आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत शानदार स्लाइड जो हमेशा लोगों के साथ में मैं सिस्टम में शेयर करता हूं, अगर चाहिए मो तो बन जाइए गोल। और ये सिर्फ एक स्लोगन है जिसको बोल बोल के, बता बता करके, जिसको प्रमोट कर करके आज हमने इस लेवल को अचीव किया है। और ये कोर का जो सिस्टम है हमारे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो कोर होता है, कोर का मतलब ये हो गया कि 10 ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने सिस्टम में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इन 10 स्टेप को जो आदमी करता है उसको हम कोर बोलते हैं। और यदि कोई आदमी कोर है तो उसको 10 स्टेप को फॉलो करना है, और 10 स्टेप को जो फॉलो करेगा वो कोर होता है। और इस तरीके से जो आदमी कोर होता है वो डायमंड 200% बनता ही बनता है, ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने पाया है। और यही एक सिस्टम है जो 10, अभी तक हम लोग 10 पॉइंट थे, लेकिन अभी 11वां पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया है। और 11वां पॉइंट उस कोर स्टेप में, वो 10 पॉइंट तो करने ही करने हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो कोर बनना चाहता है, कोर है, वो 11th कोर स्टेप, उसको एक और फॉलो करने की जरूरत है कि उसको 100 BV मंथली या तो प्रोडक्ट को यूज करना है या सेल करना है। वास्तव में अपनी जिंदगी में
कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट करना पड़ता है, और हमारे जितने भी इस बिजनेस में कोर हैं वो उस कोर से कोर में जितने भी स्टेप्स हैं वो उनको दमदारी के साथ में फॉलो करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी टीम में मैक्सिमम मतलब काफी सारे कोर हैं जो एज ए कोर उन सारी स्टेप्स को 11 स्टेप को फॉलो करते हैं जो जरूरी है इस बिजनेस में कामयाबी के लिए। तो 11वां स्टेप हमने आज से इंट्रोड्यूस किया, पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आज आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। यदि कोई आदमी कोर है उसको 100 BB का यूज करना है, और 100 BB यदि हमने अपने नेटवर्क में प्रमोट किया तो क्या होने वाला, सिल्वर लेवल पर मैं आपको बताता हूँ कि आप समझ लीजिए कि 25 एक लेग में, 25 दूसरी लेग में, यदि 100 BV दोनों लेग में होते हैं तो इस तरीके से 2500 BV एक साइड होंगे, 2500 BV एक साइड होंगे, और इस तरीके से 2500 बिजनेस वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब जोड़ देते हैं तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और इस तरीके से यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 12500 रुपए की अर्निंग ये एक कोई भी आदमी सिल्वर लेवल पर कर सकता है। ये फिगर थोड़े से हाइपोथिकल आपको जरूर लगेंगे, आपको लगेगा कि ये तो कहने के लिए हम कैलकुलेशन कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट स्लाइड में आपके साथ में बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है। हम मान लेते हैं कि 100 BV हर आदमी नहीं करेगा, कुछ 50 BV करेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 500 BV करने वाले हैं, और मैंने ये बहुत करीब से महसूस किया है जब हमारे हमारे सिस्टम में, हमारी कंपनी में जब लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स थे, आपने देखा होगा कोटक के साथ में हमारा टाई अप था, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, तो हमारी ही टीम में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पॉलिसी को बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट किया करते थे। मैंने तो बहुत गिनी चुनी पॉलिसी प्रमोट की होगी क्योंकि इंश्योरेंस में कभी इंटरेस्ट ही नहीं बना मेरा, लेकिन हमारे ग्रुप में ही हमारे नीचे ऐसे ऐसे लोग आते थे जो 100-100, 50-50, 100-100 पॉलिसी महीने में ऐसे ही बेच दिया करते थे, वो मास्टर थे। ठीक इसी तरीके से हमारे इसी ग्रुप में, हमारे इसी नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटेल सेल बहुत अच्छी कर सकते हैं, जाकर के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, और उनको यदि हम ट्रेन करें, आज हम और आप भी यदि ट्रेनिंग ले लेते हैं तो प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम रीपर्चेज और रीसेल करके बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो गोल्ड पर करीब करीब 62500 की अर्निंग होती है, वो स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करेंगे। फिर यदि पर्ल पर देखोगे तो 1,25,000 की आपकी मंथली अर्निंग हो सकती है। फिर टोपाज में यदि देखोगे 3,12,500 की आपकी अर्निंग हो सकती है। एमरल्ड पर देखोगे तो करीब करीब आप ये समझो कि 6,25,000 की पर मंथ की आपकी अर्निंग हो सकती है। रूबी लेवल पर यदि आप देखोगे तो 12,50,000 रुपए की अर्निंग हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कैपिंग हमारी जो है 8,00,000 की है। और यदि आप कैलकुलेशन डायमंड का करते हैं तो वो तो अभी बहुत बाहर की बात हो जाती है, वो कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। ये हमने तब कैलकुलेट किया है जब 100 BV का हम कमिटमेंट ले रहे हैं। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक स्लाइड है, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा भी करेंगे, तो एक स्लाइड है, लास्ट में मैं इसको समअप करता हूं कि यदि रूबी लेवल पर कोई आदमी 12,00,000 रुपए का जो हमने बताया है उस तरीके से यदि वो लेता है, उसका सिर्फ 20% भी काम होता है जो मैंने आपको बताया है, तो 2,50,000 रुपए पर मंथ काम कमा सकता है सिर्फ रिटेल के प्रमोशन से। और यदि 10% भी काम होता है तो रूबी लेवल पर 1,25,000 की बढ़िया सी अर्निंग वो कर सकता है। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को लोगों ने करके दिखाया है, ये सारी चीजों को हासिल करके दिखाया है, तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, या लोग ये बताते हैं कि सर लोगों को जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं ना तो किसी भी प्रोडक्ट को बताते हैं तो पीछे से एक रेजिस्टेंस आता है कि सब प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है या एक ऐसी बात है जो आपके साथ में, जब तक आप सेल्स लाइन में रहने वाले हो, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहने वाले हो, ये सवाल कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे काउंटर करना है। सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि कस्टमर को जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं या किसी अपॉर्चुनिटी को ऑफर करते हैं तो वास्तव में उसके दिमाग में क्या चला करता है, और हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसका प्रभाव उसके दिमाग में क्या पड़ता है, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हमने पूरा प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद में सारी बातचीत कर ली, सब कुछ कर लिया,
उसके बाद में जब हम प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये आगे पीछे करने लगता है। प्लान देखने के बाद में सबसे ज्यादा यदि प्रॉब्लम आती है तो बोले प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो ऐसा बोलता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लान दिखाने के बाद में हम उसको बोलते हैं, अपना पूरा एक कैटलॉग दिखाते हैं, कैटलॉग दिखाने के बाद में उसको बोलते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के इसमें आ सकते हैं। और जनरली ये होता है कि वो जो जो जिसको हम प्लान दिखाना है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसका लोअर वैल्यू की तरफ सारा का सारा ध्यान रहता है और हम उसको खींच करके आगे की तरफ ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट से ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ज्यादा कमीशन बन पाए। और कई बार तो ये होता है कि हम उसको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट लेना है और 1000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रोस्पेक्ट इंडेक्स लेना शुरू करता है तो हम 1000 से बढ़ा करके उसको 5000 कर देते हैं। और कई बार तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम फायदे गिनाना शुरू करते हैं कि 1000 आप लोगे तो क्या होने वाला है, 5000 लोगे तो क्या होगा, 10000 का प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, 15000 का लोगे तो क्या होगा। हमने शुरुआत करी थी 1000 रुपए के प्रोडक्ट से, बढ़ता बढ़ता वो 15000 पे पहुंच जाता है तो वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको शंका करने लगता है, उसके मन में डाउट होना शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है कि अभी तो हमने 1000 की बात की थी, कभी ये 2500 की बात करते हैं और फायदा दिखाते हैं 10000 की, पता नहीं कल और कुछ बात ना करने लगे, तो उनके मन में डाउट पैदा होना शुरू हो जाता है। एक थंब रूल आप ध्यान से रखिए कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, कोई वैल्यू आपने छोटी बताई है, छोटे से ऊपर की तरफ जाओगे तो हमेशा रेजिस्टेंस रहने वाला है, हमेशा कहीं ना कहीं वो आपको रेजिस्ट करेगा आपका जो प्रोस्पेक्ट है। तो करना क्या है, करना बिल्कुल आसान है, इसी चीज को थोड़ा सा बताने का तरीका आपको चेंज करना है। तो करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले डिक्लेयर कर देना है, सबसे पहले बता देना है कि भाई साहब आपने ये सारी चीजों को देखा हुआ है, आपको इसमें आने के लिए कम से कम 15000 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 15 से 20000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और उसको ये बताना है कि आप घबराइए मत, ये 15000 भी आपको एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ये अगले 6 महीने में 2500 रुपए दे करके आपने करना है। तो आपने बताया था 15 से 20000 रुपए, उसको फिर आपने बोल दिया कि एक साथ नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया और उसको बता दिया कि अगले 6 महीने में आपको ये सारी चीजों को देना है। आप मुझे बताइए, शुरुआत हुई थी हमने ज्यादा से की, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, उसके बाद में और हमने नीचे कर दिया कि आपको ये एक ही बार में नहीं देना है, आपको 6 महीने में देना है ये। आप मुझे बताइए साइकोलॉजी चेंज होगी कि नहीं होगी। अब आगे जाकर के आपको ये करना है कि ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना तो आपको खर्चा करना पड़ेगा 15000 का, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन 2500 रुपए के आपको डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, तो बताइए कोई इन्वेस्टमेंट है। और प्रोडक्ट भी कौन से हैं, चाय पत्ती जो आपको घर पे लगती है, टूथपेस्ट जो आपको घर पे लगता है, और भी जितने आइटम्स हैं जो किराने के सामान हैं, यदि वो आप ले लेते हैं तो आप मुझे बताइए आपका कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, आपको कोई खर्चा हुआ, जितना भी आपने दिया था उतने वैल्यू के प्रोडक्ट तो आपको वैसे भी लेकर के आने थे, मतलब आपको 0 इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है। यदि आप इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो समझ लेना डील आपकी क्लोज हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और दुनिया के जितने भी सेल्स इंडस्ट्री में कामयाब लोग हैं वो इसी टेक्निक को यूज करते हैं, कॉर्पोरेट में जितनी भी सेल्स इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं इसी टेक्निक को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आप अमेजॉन पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप कभी किसी मॉल में जाइए तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे 80% 75% ऑफ आपको दिया जाता है। आप मुझे बताइए कोई आदमी अपने जेब से देने वाला है क्या, वो सिर्फ प्ले कर रहे हैं किसी ह्यूमन माइंड के साथ में, उसके माइंड के साथ में प्ले करते हैं। और हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आपको इंटेंशन हमेशा अच्छी रखनी है, प्रोडक्ट की आपको अच्छी जानकारी देनी है, लेकिन आपने सिर्फ ऐसा ना करके ऐसा कर लिया, थोड़ा सा आपने चेंज किया, आपका ये जो रिजेक्शन है, आपका ये जो ऑब्जेक्शन है प्रोडक्ट को लेकर के बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको एक काम और कर सकते हैं, यदि आप 6 महीने का ये हमने धीरे धीरे रिलैक्स किया है, लास्ट में जाकर के आप एक चीज और उसके साथ में शेयर कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आपको हम एक ऑफर और दे सकते हैं जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। आप 6 महीने करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में 15000 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप डिसीजन लेते हैं आज पूरा पेमेंट करते हैं तो 15000 की वैल्यू का प्रोडक्ट आपको 9995 रुपए में मिल सकता है। बताइए आप मुझे
इतना बढ़िया फायदा मिल रहा है, इसमें कोरियन इंक्लूड है, सारी चीजें इंक्लूड है, सारे डिस्काउंट्स आ गए, अभी आप बताइए कि ये प्रोडक्ट यदि आप लेते हैं इतना सारा फायदा है तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद तो सारी बातें खत्म हो जाती है, इसके बाद में भी कुछ रह जाएगा तो जितना ज्यादा आप आर्गुमेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट के महंगे और सस्ते के चक्कर में आप पड़ते रहने वाले हैं। बस यही है कि जो 1000 रुपए की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कलेजा बड़ा करो और अपना बढ़िया पोस्चर बना करके आप पहले ही डिक्लेयर कर दो कि 15,000 का तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। और यही हम कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं, उतनी हिम्मत हम कर नहीं पाते हैं, या हम तो कर लेते हैं लेकिन नीचे जो लोग हैं उस पोस्चर में बात नहीं कर पाते हैं और वो कम ज्यादा महंगा और क्वालिटी और क्वांटिटी इनके चक्कर में उलझ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कभी भी डील फाइनल हो नहीं पाती है। और जब भी हम प्राइस की कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन जो होगा वो कहीं ना कहीं एप्पल टू एप्पल होगा। एक तरफ नोकिया है, एक तरफ बाकी के चीप ब्रांड है, और दूसरी तरफ जो है एक बहुत ही ब्रांड है जिसको हम बोल सकते हैं आईफोन है। दोनों का भी कंपैरिजन हो सकता है क्या? आईफोन जो है करीब करीब 1 लाख रुपए का आता है, 20,000 के भी मोबाइल आते हैं, लेकिन कहां आईफोन और कहां दूसरे मोबाइल, हम कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्राहक की एक मेंटेलिटी आपको देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बल्कि दुनिया के हर हिस्से में ये एक मेंटेलिटी है कि एक कस्टमर जब किसी चीज को खरीदने जाता है तो खरीदते खरीदते वो जरूर बोलता है, खास करके इंडियन मेंटेलिटी होती है। यदि किसी सब्जी वाले के पास जाएगा या किसी फ्रूट्स वाले के पास जाएगा तो कोई महिला क्या बोलती है कि साहब कितने के ये आम है, तो सामने जवाब मिलता है 100 रुपए किलो के आम है। अरे भैया इतने महंगे आम दे रहे हो आप, आपने तो लूट मचा करके रखी हुई है, इतने महंगे तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे बचपन से घुसा हुआ है, और ये कोई कितना भी मतलब वो 50 रुपए भी बोलता तब भी उसको यही बोलना था, और 25 रुपए किलो बोलता तब भी उसको यही बोलना था। बात यहीं से शुरू होती है। और एक और आपने देखा होगा कि आपको कहीं जाना है, आप किसी व्हीकल को लेते हैं तो आजकल तो ओला उबेर आ गया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उतना देते हैं निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग जब भी कहीं जाना होता है, मान लीजिए स्टेशन जाना है, जब उसे मोल भाव करते हैं तो क्या करते हैं, वो बताया उसने कि 100 रुपए लगेंगे स्टेशन के। अरे भैया लूट मचा रखी है, इतने पैसे लगते हैं क्या? ऐसा करके कहीं ना कहीं हम डाउट करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो ये लोगों को मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं, और ये इसी तरह के प्रॉस्पेक्ट आपको मिलने वाले हैं। और इनको डील करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, थंब रूल, आपको ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करनी है। जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी कोरियर चार्जेस हैं, जो भी आपके डिस्काउंट्स हैं, जो भी 15% का कंपनी आपको अभी जो ऑफर चल रहा है, इन सारे के कैलकुलेशन करने के बाद में यदि प्राइस को धीरे धीरे करके नीचे लेके आते हो और उनको बेनिफिट गिना देते हो तो आपकी बात खत्म हो जाती है, डील हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो प्राइस में 3 बातें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर फर्स्ट तो ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मतलब मार्केट में जब भी आप बातचीत करोगे तो आपको 3 चीजों को जरूर हाईलाइट करना है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो आम आदमी के लिए है, और हो सकता है कि उसके रिजल्ट ना आए। एक तरफ 200 रुपए का प्रोडक्ट है और हमारा प्रोडक्ट 2000 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन 200 रुपए का प्रोडक्ट यदि रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो जिंदगी भर खाते जाओ पीते जाओ उसका रिजल्ट ही नहीं आना है। और हमारा ये प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, और इससे आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। जब हम इस तरीके से चीजों को एस्टेब्लिश करते हैं तो चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अभी जैसे मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे भुवन जी से कि हम अपने प्रोटीन पाउडर को कैसे वेट मैनेजमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज नहीं कल वो फार्मूला आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। लेकिन जब जब भी आप किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत है कि सस्ते प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलते हैं और ये जो प्रोडक्ट है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में आपको जरूर 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 बात करनी है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेशन तभी आप कर पाओगे जब इन प्रोडक्ट को आपने यूज करना शुरू कर दिया होगा, इनको आपने टेस्ट किया होगा, तभी वो दिल से आपकी आवाज आने वाली है। फिर दूसरा, आपको जो बातचीत करनी है आपको फीलिंग बेस्ड अप्रोच रखनी है कि आप कैसा फील करोगे सामने वाले को, आपको फीलिंग के बारे में बातचीत करनी है कि इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में जब आपका वेट लॉस होगा तो क्या फीलिंग आपके साथ में होने वाली है।
जब आप एनर्जी का रीलोड रीलोड यूज करोगे तो आपको कैसी फीलिंग होगी, आप कैसा फील कर सकते हो, ये जब आप शेयर करते हो और फीलिंग बेस्ड अप्रोच बताते हो तो आपके प्रोडक्ट के बिकने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से नंबर थर्ड है जो आपको जरूर बताना है कि आप पहले कस्टमर नहीं हो। हेलो, ठीक है, तो हमें ये अप्रोच लगानी है। सो मेनी सेटिस्फाइड कस्टमर्स ऑलरेडी आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, ऐसा करके जरूर बताना है। और यदि हमारे पास में कोई टेस्टिमोनी इन प्रोडक्ट के साथ में, अभी टेस्टिमोनी तो जब यूजर्स बढ़ेंगे धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी तो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनी बढ़ते चली जाएगी जिसका हमने इस्तेमाल करना है। इसको इस तरीके से समझ लो कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ओरिएंटेशन आप फिक्स करो कि कैसे ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और कितना भी महंगा प्रोडक्ट होगा फिर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फीलिंग जरूर बताओ। कार दो होती है, एक मर्सिडीज बेंज है और दूसरी अल्टो कार है। कार दोनों है, दोनों में पहिए लगे हुए हैं, दोनों में चार पहिए लगे हुए हैं, लेकिन जब आदमी मर्सिडीज बेंज में बैठता है तो वो क्या फील करता है उसकी वजह से वो मर्सिडीज बेंज को लेता है, ना कि प्राइस की वजह से लेता है। तो आपके पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप शैम्पू की बात करो, चाहे सोप की बात करो, चाहे एनर्जी बार की बात करो, चाहे रीलोड की बात करो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत बढ़िया अफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में जरूर बात करो। और लोगों को ये बताओ कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर, लाखों लोगों ने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। जब ये सारी चीजें बताई जाती है तो आपका प्रोडक्ट के बारे में जो रेजिस्टेंस होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से आप आपका ये जो ऑब्जेक्शन है वो आप दूर कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक चीज और है कि हमने 100% कमिटमेंट के साथ में कमिटमेंट देना है टू बिकम 100% यूजर। जब तक हम खुद ही यूज नहीं करेंगे हम कैसे लोगों को बता पाएंगे। और मैंने ये देखा है कि हमारा पूरा ध्यान ये रहता है कि कैसे हमारा कमीशन बने, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम प्रोडक्ट को आगे शिफ्ट कर दें। लेकिन दोस्तों आपसे एक ही मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आप सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, इन सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करो, इनको यूज करो, अपने परिवार में देखो, और इनके अफेक्ट जब आप देखोगे, इनका जब फायदा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं जिनको हम कहीं ना कहीं प्रमोट करने से बच रहे हैं। और ये काम शुरू से ऊपर से ही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला है। अभी बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ा काम होने वाला है, लेकिन हम और आप एक तरीके से इन प्रोडक्ट के एम्बेसडर्स हैं जो यूज करेंगे, और यूज करने के बाद में सेटिस्फेक्शन जो हमको मिलेगा वो हम आगे लोगों को बताएंगे, तभी ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आगे मूव होने वाले हैं। कभी भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आती है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और हमने कुछ नया काम नहीं करना है, मैंने जैसा आपको बताया कि रीपर्चेस में तो हमको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी वर्कशॉप्स होती है, हमारी ऑलरेडी मीटिंग्स होती है, हमारे ऑलरेडी सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स में कैसे हम रीपर्चेस के बारे में अपनी अपनी बातें कहना शुरू करें, सिर्फ उतना ही करने से आपका बिजनेस रीपर्चेस का बढ़ते जाना है। सिर्फ बातचीत करना शुरू करना है, जो भी सिस्टम आपने बनाए हुए हैं उसमें रीपर्चेस को डालने की जरूरत है, पॉइंट्स में, हर पॉइंट्स में। फ्री सैंपल्स बहुत अच्छी चीज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को बांटना है और इसको अदरवाइज मत लेना, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब 100 बीवी की बात आ रही है, 100 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने की बात आ रही है, तो उसमें मैं भी एज ए कोर उसको कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, हमारे सारे लीडर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जिम में इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हो, आप मेडिसिन दुकान में, मेडिकल दुकान में इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हो, आप किराने की दुकान में दे सकते हो, प्रोविजन स्टोर में दे सकते हो, आप अपने पड़ोसियों को, अपने और लोगों को इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आप प्रमोट कर सकते हो। तो मैंने कैसे किया है, मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, करीब करीब 100 लोग हैं, और 100 लोगों के परिवार में यदि देखेंगे एक घर में 4 लोग हैं तो इस तरीके से समझो कि 400 लोगों का परिवार है। मैंने कुछ नहीं किया, जैसी टूथपेस्ट ये लॉन्च हुआ तो मैंने काफी सारे ऑर्डर करके लोगों को फ्री सैंपल बांट दिए, और सारे लोग जो परिचित थे, हमारी मीटिंग्स होती थी, सारे लोग एक दूसरे को जानते ही हैं जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है, आपको ये मैं सैंपल दे रहा हूँ फ्री में,
इसके बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो दुनिया की सारी चीजें मार्केट से लेकर के आना, लेकिन यदि आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ मुझे याद करना है। और दोस्तों इसका फायदा हुआ और मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। इसी तरीके से आप एनर्जी बार को भी यूज कर सकते हो, सैंपल के लिए आप अपने जेब में रख सकते हो, जब जहां जरूरत पड़ती है आप बता सकते हो कि कैसे ये आपको कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। मिस सेलिंग कभी भी नहीं करना है, जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में है प्रोडक्ट के बारे में वही देनी है, वही बताना है। कई बार हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद में हमारे प्रोस्पेक्ट को जरूरत नहीं है, तब भी हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। इसका जरूर ध्यान रखें। यदि आप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चाहते हैं तो आपको हमेशा कभी भी मिस सेलिंग नहीं करनी है, यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। दोस्तों ये एक सेशन था, ये एक बातचीत थी जो मैं आपके माध्यम से करना चाहता था। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में जो कुछ भी बताया गया उसका मोटिव सिर्फ एक ही है कि समय बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है, और आप भी यदि अपने आप को बदल लेते हैं और एक डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं बस अभी हमको शुरू कर देना, बस एक बार हमारा जो ग्रुप बना हुआ है डायमंड का ग्रुप बना हुआ है, दो ग्रुप बने, लीडर वन और लीडर टू, आपको बस आज डाल करके बता देना है। मैंने तो दौड़ लगानी काफी पहले शुरू कर दी थी, यदि आपने दौड़ना शुरू नहीं किया है तो आप डिसीजन ले सकते हो और उसमें कमिटमेंट जरूर डालना, हाँ मैं प्रोडक्ट को 100 PV का डैम श्योर करने वाला हूँ, ये एक मैसेज डालना। और दूसरा ये भी एक कमिटमेंट डालना कि मैंने आज से दौड़ लगानी शुरू कर दी है, ताकि हम चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि आप लोगों के साथ में हम लेकर के दौड़ लगाएं और सारे लोग जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, हम सारे डायमंड मिल करके उस मुकाम पर जरूर पहुंचे। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं और अब आगे के सेशन को लेने के लिए मैं श्री विजयपाल जी को यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजय। चलो ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया है, मिस्टर ग्रेवाल, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी आगे का सेशन लेने वाले हैं, बहुत बढ़िया स्लाइड्स बना करके लेकर के आए हुए हैं, तो ओवर टू मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। अभी संजय जैन सर ने आज बताया रिपर्चेजिंग की पावर और रिपर्चेजिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हमको, और मुझे लग रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन ले लिया होगा कि हम बहुत बड़ा इसमें काम करेंगे। और मैंने तो जो सर ने बताया उन सारी चीजों को दिल से, सारी चीजें को दिल से समझा है, और दिल से समझ के अभी उसको करने का ठान लिया है। और दोस्तों जब से ये रिपर्चेज का सिस्टम हमारी कंपनी ने और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स ने स्टार्ट किया है, तब से हम सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं। और सर ने तो इसके बाद तो मुझे लग रहा है हमारा काम कई गुना और ज्यादा होने वाला है, बहुत बड़ा काम हमारे साथ में होने वाला है, बहुत बड़ा काम अभी होगा। तो अभी मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि पर्सनल एक्सपीरियंस में के मुताबिक अभी हमारे जो सारे के सारे ग्रैंड डायरेक्टर्स ने, हमारे सारे सीनियर्स हैं, उनका मैं जरूर एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगा, मिस्टर संजय कटो जी, हर्ष बिलास जी, दीपक बिलास जी, संजय जी और मान साहब, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर माधव जी, विजयपाल जी और जसवीर जी, ये हमारे साथी सारे लोग हैं। और मैं इनका सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा उन लीडर्स का जिन्होंने रीपर्चेज को प्रमोट करके आज 4-4 लाख की कैपिंग बनाई है। और उनमें मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा मिस्टर विजयपाल जी, मिस्टर माधव, मिस्टर योगेश यादव जी, और इन उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को यूज भी किया है और प्रमोट भी किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन प्रोडक्ट को अगर आदमी शुड हैव फेथ इन इस प्रोडक्ट, हर एक आदमी को अपने प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में फेथ होना चाहिए, और इट कम्स बाय यूज फील ऑफ द प्रोडक्ट। और ये आएगा कब, फेथ जब हम यूज करेंगे, फील करेंगे, तब ये आएगा। तो आज मैं कैसे, मैंने इन प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, कैसे फील कर रहा हूँ और कैसे प्रमोट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा। मैं 7-8 मिनट तक बात करूंगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो हमारा होने वाला है वो होगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विजयपाल जी के माध्यम से, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, और रणनीति बहुत अच्छे से बताएंगे हमको। और माधव जी ये बताएंगे कि कैसे हम एक साल में
एक साल के अंदर अभी डायमंड बन सकता है आदमी रिपर्चेज के माध्यम से, कैसे चुटकियों में टारगेट जीत सकता है रिपर्चेज के माध्यम से। और हमारे प्रोडक्ट हमको यूं यूज करने चाहिए, इसके लिए एक लाइन में बताना चाहूंगा कि गूगल का सीईओ के हाथ में जो फोन होता है वो चाहे तो एप्पल का खरीद सकता है, लेकिन वो एप्पल का नहीं खरीदता, उनके पास गूगल का ही फोन रहता है। ऐसे ही रतन टाटा जी को हम सब लोग जानते हैं, उनके जो भी अगर उनकी एम्प्लॉयज को लाने वाली गाड़ी अगर कोई है तो उनके एम्प्लॉयज को लाने वाली गाड़ी भी टाटा की ही रहती है। उनके जो ऑफिस में जो एसी यूज किया जाता है वो भी टाटा का रहता है वोल्टास का, और कैंटीन में उनके में जो पानी यूज किया जाता है वो भी हिमालयन का रहता है। यानी कि जो उनके खुद के प्रोडक्ट हैं वो खुद यूज करते हैं। ये बात ग्रेट एम्प्लॉय मिस्टर सुंदर पिचाई जी को समझ में आ रखी है, मिस्टर रतन टाटा जी को समझ में आ रखी है, तो मुझे लग रहा है हमको भी समझना चाहिए कि हमको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास वी हैव अ वंडरफुल हर्बल एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारे पास बहुत सारे वंडरफुल और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। और पहले पहले क्या था, रिपर्चेज का कोई ज्यादा चलन नहीं था, तो उस टाइम पे नेटवर्कर का जो पुराना फंडा ऐसे होता था, लोगों को प्लान दिखाओ, रिक्रूट कर लो, उनको ट्रेनिंग दो, मोटिवेट करो और बस मॉनिटरिंग करते रहो और आप पैसे कमाओ। लेकिन अभी जमाना बदल गया है, जैसे संजय जैन सर ने बोला और अभी आपको माधव जी और विजयपाल जी भी बताएंगे, लेकिन अब प्रोडक्ट का प्रयोग करना और उसको रिपर्चेज करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं और डबल इनकम लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में हमारे को, अभी पुराने जो नेटवर्कर था जो सोचता था कि सिर्फ प्रोडक्ट हमको लेना नहीं है, सिर्फ दूसरों को बोलते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। अब पुराने नेटवर्कर का जमाना अब हो गया है पुराना, और मैं बोलना चाहता हूं अभी हमको यूज फील और प्रमोट द प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब मीटिंग रूम से हटके जूम में होने लगी है, मीटिंग हॉल से लेके जूम में मीटिंग होने लगी है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट भी अभी हमको यूज करना पड़ेगा। केवल केवल बातों से काम नहीं होता, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट प्रमोशन का और रीयूज का रीपर्चेज का ध्यान रखना पड़ेगा। पुराना तरीका था ऐसे सामान ढोते थे, लेकिन अभी ट्रैक्टर से ढोते हैं। लेकिन पुराना तरीका था, अभी जैसे मोबाइल, एप्पल का मोबाइल हर कुछ दिन में अपडेट होता रहता है, ऐसे हमारे को भी अपडेट होना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन में क्या लेना है, यूज द प्रोडक्ट एंड रिपर्चेज द प्रोडक्ट। और अबे हमें करना क्या है, करना क्या पड़ेगा, यूज तो करना है, फील करना है, प्रमोट करना है, वो भी डायरेक्ट दिल से, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारा है और हमारी चीज को हम लोगों को बड़े खास तरीके से प्रमोट करना चाहिए। इसमें चालाकी नहीं चलती है, हम यूज करेंगे तभी टीम में भी डुप्लीकेट होगा। कई लोगों को लगता है कि साहब हम टीम को प्रमोट कर देंगे, उनको खरीदवा देंगे, ये काम हो जाएगा, नहीं, खुद पहले हमको यूज करना पड़ेगा फिर प्रमोट करना पड़ेगा। कई लीडर्स अभी पूछ भी रहे हैं, मैं भी अपने लीडर से पूछ रहा था, जिनकी बहुत सारे लीडर्स की, जैसे माधव जी की, विजयपाल जी की, देवेंद्र जी की, सुनहरी जी की, योगेश जी की, मैं पूछा यार अभी कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई है प्रोडक्ट के बारे में, बहुत जल्दी रिसेंटली बहुत ज्यादा कोई सिस्टम नहीं समझाया है, और अभी आप लोगों ने 4-4 लाख की कैपिंग कैसे मार दिया। तो एक ही बात बोला उन्होंने, बोला सर इतना तो हमारे गुडविल से भी हो जाता काम, इतनी कैपिंग वाला काम, कैपिंग तक तो हमारी गुडविल से भी पहुंच जाते हैं। और गुडविल, अगर गुडविल तब काम करेगी जब हमारी, जब हम खुद यूज कर रहे होंगे। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि हम प्रमोट कर लेंगे लेकिन यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए छोटी सी कहानी है कि एक साधु बाबा थे और किसी गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो साधु बाबा ने बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस कुएं में सारे लोग आके एक एक गिलास दूध डालो और सवेरे 4 बजे का टाइम रहेगा, तो सबको हिदायत दी गई। सबने सोचा यार इतने सारे दूध डालेंगे, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो सवेरे सवेरे सारे लोग पानी की बजाय दूध डाल के चले गए। और ऐसे जब उन्होंने किया तो बाद में सवेरे देखा तो कुएं में कोई दूध नहीं था, सारा पानी था, सारे लोग एक दूसरे के भरोसे थे। तो दोस्तों हमको भरोसे पे नहीं रहना, हमको खुद यूज करना, प्रमोट करना। अगर हमने ये किया तो हमारे पास गुड न्यूज क्या है कि आवर प्रोडक्ट्स आर वैल्यू फॉर मनी। अभी आज की डेट में हमारे जो प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी है, बेस्ट हर्बल और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है एकदम। और इसका कंपैरिजन मैंने अभी, हमारे एक लीडर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, उन्होंने बताया कि साहब रीलोड जो है, रीलोड अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो उसकी जगह ग्लूकोन-डी और मिरिंडा ऐसी आती हैं, और उनको उनको अगर 40 लीटर अगर मिरिंडा और ये ग्लूकोन-डी अगर हमको बनाना है, लेना है, तो हमको करीब करीब 1800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर रीलोड ले लिए उसमें 40 लीटर पीने का लायक जो ड्रिंक है वो हमारा बन जाएगा केवल 599 में, क्योंकि हमारे पास रीलोड का 599 का 1 kg आता है। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बारे में। देखो टाटा टी हमारी जैसे प्रीमियम टी है सेफ सॉप की, तो इसका आप 470 की है,
और मैं बोलता हूँ इसकी इस एवरेज में या इस ब्रांड में या इस लेवल पे प्रीमियम लेवल की चाय आप किसी भी लेवल पे देखोगे लिप्टन की, ये उससे महंगी पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, ये स्पाइस की पड़ रही है, ये इसकी ज्यादा पड़ रही है दूसरे की। और दूसरा जिसका भी हम देखते हैं, ताजमहल की ये पड़ रही है 600 की, लेकिन हमारी करीब 470 की है। तो अगर चाय भी अच्छी प्रीमियम क्लास की चाय की बात करते हैं तो भी हमारी कंपनी के वैल्यू फॉर मनी हमको नजर आ रहा है। साबुन, साबुन अपना हर्बल शॉप है, मार्केट में केमिकल वाले मिल रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट से भी अगर हम हर्बल शॉप लेंगे तो ये मैंने देखा एक ब्रांड का हमारे लीडर ने बताया था कि बोला साहब ये यूज करते हैं हम लोग और ये हर्बल शॉप है लेकिन ये 225 का पड़ता है एक शॉप, और यहाँ हमारे यहाँ पे 99 में 200 पड़ रहे हैं। तो वैल्यू फॉर मनी है हर्बल प्रोडक्ट की, थोड़ा सा जो हर्बल और ब्रांडिंग चीजें थोड़ी सी मतलब कंपैरिजन करेंगे तो हम मार्केट में जो दूसरी उस लेवल की है, उस इंग्रेडिएंट की है, उस हिसाब से हमारी बढ़िया है। अभी आप देखें सब शैम्पू हर्बल शैम्पू, मेरा परिवार तो हर्बल शैम्पू का एकदम फैन है, और जो इसमें हर्बल शैम्पू में हमारे में एलोवेरा भृंगी नीम और शिकाकाई है वो वाले सारे के सारे इस इंग्रेडिएंट वाला जो शैम्पू है मार्केट से लेते हैं तो 1225 का मिल रहा है और हमारा ये 275 का है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे ऐसे ही क्रीम का है, ऐसे ही देखेंगे तो ये एयर टॉनिक का है जो हमारे ऐसे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे में है, अगर दूसरा मार्केट के में देखोगे तो उस इंग्रेडिएंट का जो है उस लेवल में वो महंगा है। अगर देखा जाए तो बॉडी मसाज ऑयल ये भी महंगा है, और ये अगर मॉइस्चराइजर की बात करें ये भी महंगा है, और हर्बल टूथपेस्ट इसकी बात करें अगर मार्केट से अगर ढूंढेंगे तो सेंसोडाइन अगर उसके उसकी जो कंपेरेटिव अगर देखते हैं तो हमारा केवल 95 रुपीज का है, वहां पर 210 का है। तो वैल्यू फॉर मनी है हमारे जो प्रोडक्ट है, चाहे फेस वॉश की बात कर लें, मैं ये बोल सकता हूँ 100% सेटिस्फेक्शन देने वाले और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जबरदस्त एक प्लानिंग रणनीति आपको मिलने वाली है विजयपाल जी के माध्यम से, और इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, और मैं अगले 2 मिनट में अपनी ये सेशन कंप्लीट भी करूंगा। और लास्ट में एक जरूर बात बोलना चाहूंगा, कुछ लोग मर्जी से अपने ट्रैक को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग मेंटर के इशारे से समझ लेते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। इसके लिए मैं कहानी बताना चाहता हूँ। कुछ एक तो होता है रेस वाला घोड़ा, वो जॉकी के इशारे को समझ जाता है, लेकिन शादी वाला घोड़ा किसी के इशारे को नहीं समझता, उसके बाद तो बार बार डांस करते तब समझता है, और तांगे वाला घोड़ा उसको अंटर लग के मजबूरी में समझता है। लेकिन हम लोगों को रेस वाला घोड़े की तरह काम करना है, और अगर हमने इसमें रेस वाले घोड़े की तरह काम किया तो मुझे लग रहा है रीपर्चेज एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और इसके बारे में माधव जी और विजयपाल जी बहुत ही तगड़ी रणनीति देने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, सारे के सारे मेंटर्स का, उन्होंने मुझे भी बोलने का मौका दिया और आज ऐसा एक सेशन कंडक्ट कराया। तो मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा सेफ शॉप को डायरेक्ट दिल से थैंक यू, और आगे की रणनीति के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर विजयपाल जी से कि वो आए और आगे का जो सेशन है उसको संपन्न करें। मिस्टर विजयपाल जी हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर हैं और बहुत ही हमेशा रणनीति बनाने में, हमेशा शेयर करने में, किसी भी काम को, किसी भी टारगेट को कैसे अचीव करना है इसकी सबसे अच्छी रणनीति बनाने की जो काबिलियत है हमारे विजयपाल जी के अंदर है। विजयपाल जी क्राउन एम्बेसडर भी हैं और वो लॉकडाउन से पहले भी लगातार 4 लाख की कैपिंग पे थे, लॉकडाउन के बाद में भी 4 लाख की कैपिंग पे हैं, ये उनका हुनर है और आज उनके हुनर का हम सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। मैं अभी जरूर वेलकम करना चाहूंगा स्क्रीन पे, वेलकम मिस्टर विजयपाल जी, वेलकम विजयपाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सबसे पहले मैं अपनी महान कंपनी सेफ शॉप और सभी डायरेक्टर्स और अपने सभी सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला और मुझे इस लायक समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अभी तक हम लोग कैपिंग की बात करते हैं, जो भी व्यक्ति जुड़ता है तो या तो डायमंड बनने की बात करते हैं, टारगेट करने की बात करते हैं, या कैपिंग पर जाने की बात करते हैं, तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में कैपिंग पर जाना बहुत आसान हो गया है। कितना आसान हो गया ये हम आपके साथ में जरूर चर्चा करूंगा। मैं 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पर रीपरचेज में खास करके कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट परचेज आप लोगों को अच्छे से पता है। जेंस सर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को माइंड सेट के ऊपर बातचीत की, बहुत अच्छा कुछ माइंड में सेट हुआ कि हमको ये करना चाहिए, बहुत सारे कंपेरिजन दिखाए। ग्रेवाल सर ने प्रोडक्ट का कंपेरिजन करके दिखाया
लेकिन अभी बात यह आती है कि हम लोग किस तरह से क्या ऐसी प्लानिंग करें, क्या ऐसी रणनीति बनाएं, क्या कुछ ऐसा करें कि हम लोग कैपिंग पर पहुंच जाएं। तो खास करके मैं आज यहाँ पैनल में 1000 डायमंड हमारे सेफ शॉप के मौजूद हैं और उनके साथ में एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है, उसको मैं जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि अभी तक हम जो फर्स्ट परचेज करते चले आ रहे थे, फर्स्ट परचेज और रीपरचेज में दोनों में ऐसे कन्फ्यूजन होता है लोगों को कई बार कि हम फर्स्ट परचेज करें कि रीपरचेज करें, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट परचेज हमारे जो न्यू गेस्ट आते हैं, जो पूरी भीड़ पड़ी पड़ी है, जो हमारी लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल है, उनमें से हम लोगों को लिस्ट में शामिल करते हैं, फिर इन्विटेशन करते हैं, उसके बाद उनको प्लान दिखाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप के बाद में क्लोजिंग करते हैं और क्लोजिंग जैसे ही होती है तो व्यक्ति हमारे साथ में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने जरूरत के हिसाब से परचेज करता है और परचेज करने के बाद में फिर वो हमारा एसोसिएट बनता है, जो हमारा नेटवर्क आज की डेट में हमारे साथ है। तो ये एक प्रोसेस होती है, लेकिन ये प्रोसेस नए लोगों के साथ में चलती है जो कि आज की डेट में हमारे साथ जुड़े नहीं है, उन लोगों के साथ में ये प्रोसेस चलती है लगातार लगातार। कंपनी 20 साल से चल रही है तो 20 साल से यही काम चल रहा है। मैं पिछले 17 साल से इसमें काम कर रहा हूँ तो 17 साल से यही हम काम कर रहे हैं, लगातार हम लोगों को सिखा रहे हैं और सिखा करके ये प्रोसेस पूरी करके हम लोगों को अपने एसोसिएट बनाते चले जा रहे हैं। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं, काफी सारे लोग जुड़ने के बाद भी नॉन एक्टिव हो जाते हैं या वो लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, वापस हो जाते हैं, लेकिन जो एक्टिव लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ में इस प्रोसेस पर काम करते रहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आया कि हम लोग रीपरचेज में कैसे काम करें, तो मैं बताना चाहूंगा ये नए गेस्ट से और ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लोग हमारे शामिल होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन रीपरचेज जो चलेगी वो ऊपर टॉप से, जहां पर आप बैठे हैं टॉप से नीचे की तरफ जानी है। आप टॉप पे हैं, पहले आप 100% यूजर बनेंगे, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, फिर आप अपने साथ में लोगों को, जो आपके टॉप लोग हैं, जो आपकी कोर टीम है, उसको आप प्रोडक्ट परचेज करना और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और उसे संतुष्ट होना, ये सारी प्रक्रिया नीचे की तरफ जानी है। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों को साथ साथ करते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सभी लोग समझदार हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम बात करेंगे। तो दूसरे पे हम कैसे काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी भी चीज पे जब फोकस करते हैं, किसी चीज पे हम जब फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है। आज से पहले जैसे जीएसटी की बात आई, एक बार जीएसटी आ गया नया, तो सारे लोग जीएसटी, पेपर में जीएसटी, न्यूज में जीएसटी, जिससे बात कर रहे हैं वो जीएसटी के बारे में बात करता था। इसी तरह से नोटबंदी की बात आ गई तो नोटबंदी की चर्चा होती थी, 370 कश्मीर वाला मामला आ गया तो उसकी चर्चा होती थी एक समय था, फिर एक समय था राम मंदिर की चर्चा होना शुरू हो गई, फिर एक समय था एनआरसी और सीए की चर्चा शुरू होना शुरू हो गई। तो जो चर्चा हो रही थी, आज की डेट में इनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज की डेट में करंट में अगर कहीं देखेंगे तो कोरोना की चर्चा करते हैं, चाहे न्यूज में जाओ, चाहे पेपर में देखो, चाहे किसी व्यक्ति से बात करो, अपने रिश्तेदार को फोन लगाओ, पड़ोसी को बात करो, हर व्यक्ति कोरोना की चर्चा करता है, तो वही चर्चा चलना शुरू होगी। आज से पहले हम लोग सेमिनार्स करते थे, लेकिन अब सेमिनार की जगह वेबिनार आ गया, आज लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप पे मीटिंग कर रहे हैं, वेबएक्स पे मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग होना शुरू होगी। इसका मतलब जो चीज चर्चा में आती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, और जैसे जैसे चर्चा होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रीपरचेज की बात करें, रीपरचेज की हम फोन पे बात करते समय हम बातचीत करें, रीपरचेज की हम जब ट्रेनिंग दे रहे हो तब बातचीत करें, जब ग्रुप मीटिंग करते हैं तो बातचीत करें, अपने लोगों से काउंसलिंग सेशन में बैठे हैं तो बातचीत करें, अगर हर समय हम अगर 10 मिनट बात करते हैं फर्स्ट परचेज के लिए, अगर 2 मिनट भी रीपरचेज के लिए बात करना शुरू कर दें, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ये चीज पूरी तरह से रहेगी कि आप लोग यहाँ से एक प्लान जब यहाँ नीचे से दिखा रहे थे तो फर्स्ट परचेज में ज्वाइनिंग हो रही थी। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने हमारे एसोसिएट है, जितनी हमारी एसोसिएट है, वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारे पास में एक लिस्ट बनी हुई है, ऐसा मान के चलते थोड़ी देर के लिए, और उसमें से एक नया अभियान आज से हम शुरू कर सकते हैं कि हम सभी लोगों को एक तरफ से ऊपर से हम रीपरचेज का प्लान दिखाना शुरू कर दें, रीपरचेज के लिए फॉलोअप करना शुरू कर दें और रीपरचेज के फायदे बताना शुरू कर दें। अगर ऐसा हम करेंगे तो लोग रीपरचेज में यहाँ से हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले प्रक्रिया, जैसे ग्रेवाल सर ने बताया कि पहले हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट रेंज हमारे पास बहुत है, और इस्तेमाल करके फिर हमें संतुष्टि मिलेगी, विश्वास होगा, भरोसा होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता पाएंगे, और फिर दमदारी से भरोसे के साथ उसको हम प्रमोट करें, वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब हमें करना क्या है, हमको अलग से कुछ नहीं करना,
मैं एक एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ, एक प्लानिंग लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, बहुत आसान है, आप लोगों को लगेगा 8 लाख रुपए महीने रीपरचेज के माध्यम से इस इतने आसान तरीके से भी पहुंचा जा सकता है, उसको मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिर्फ टॉप 20 एक्टिव एसोसिएट की लिस्ट बना ले, आप ऊपर से अपने टॉप 20 की लिस्ट बनाइए, टॉप 20 की लिस्ट बनाते हैं और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो एक मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, हम उसमें देखेंगे कि पहले स्टेप में आपने टॉप 20 की लिस्ट बनाई जो कि करीब करीब यहां पर डायमंड है, उन सब के पास में लिस्ट ये अवेलेबल होगी, ऑलरेडी आप लोगों ने बना रखी होगी, और इसको जैसे जेंसर ने बताया कि 100 बिजनेस वॉल्यूम का अगर ये हर महीने यहाँ से परचेज करते हैं, वो महीने का बताया लेकिन मैंने यहाँ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रखा, आप तो टॉप 20 की लिस्ट कोई व्यक्ति आज भी बना सकता है, कोई 2 दिन में बनाएगा, कोई 1 वीक में बनाएगा, जितना जल्दी बना सकता है वो कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर यहाँ से परचेज करता है वो व्यक्ति, उसको सेल्फ यूज करेगा या सेल आउट करेगा जैसे भी है, तो वो यहाँ से ज्यादातर लोग, एक रिच लेग होती है जहां से चेक बनता है उनका, और एक बड़ी लेग होती है, तो जहां से चेक बनता है उस लेग में अगर कोई व्यक्ति करता है इतना काम, टॉप 20 की लिस्ट बनाता है, तो 10,000 रुपए का चेक उसका यहां से रीपरचेज का बन जाएगा, फर्स्ट परचेज की इनकम अलग रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है मेरी तो दोनों ही रिच है, दोनों लेग बराबर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 5,000 रुपए का चेक आउटपुट उसको मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है कि हमको टॉप 20 की जो लिस्ट हमने बनाई है, टॉप 20 लोगों के साथ में उनके टॉप 20 की लिस्ट और बनवानी है, सेकेंड स्टेप है। तो इस तरह से 20x20 करेंगे, उनकी 20-20 की लिस्ट बनवाएंगे, 20-20 की लिस्ट बनवाएंगे, तो 400 लोग हमारे पास हो जाते हैं। 20 लोग पहले से यूजर थे हमारे पास, टोटल यूजर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 420 हो गए, और ये जब नेक्स्ट मंथ या जब भी इनको आप ये बात करेंगे तो जब ये परचेज करेंगे तो आपका चेक यहाँ पर इनकम निकल के आएगी 2,10,000 रुपए, दोनों साइड में है तो 1,05,000 रुपए। तीसरे स्टेप में आपको बहुत दम नहीं लगाना, आपने पहला स्टेप पूरा किया, दूसरा स्टेप पूरा किया, पहला स्टेप करीब करीब सबका पूरा है, बहुत ज्यादा नहीं करना, सबके साथ में, क्योंकि यहाँ इतने बड़े लेवल पे हैं, सबके करीब करीब पूरा हो रखा है, लेकिन सेकेंड स्टेप को थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, उन 20 लोगों की मीटिंग लेनी पड़ेगी, जूम पे मीटिंग कॉल कीजिए, उन 20 लोगों को ये बात समझा दीजिए, 20-20 लोगों की उनकी लिस्ट बनवा दीजिए और उनको टास्क दे दीजिए कि इन 20 लोगों को आपको 100% यूजर बनाने के लिए या प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इनको समझाना है, बताना है, उनको प्लान दिखाना है। इसके बाद में ये 400 आपका टोटल हो जाएगा, 420 यहाँ पर 20 ये जुड़ गए पहले वाले। अब इसके बाद में तीसरा स्टेप आता है, आपके लिए बता रहा हूं कि 400 लोगों के साथ में अगर 3-3 लोग भी आते हैं, जब 3-3 लोग अगले आपके यहाँ सामान इस्तेमाल करने वाले यूजर बनेंगे तो टोटल आपका 1200 होगा, 1200 और 420 ये थे, 1620 हो गया। अगर इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो तीसरा स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहां से 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम यहां से सेट हो जाती है, 8 लाख रुपए पर मंथ में जा सकते हैं, और दोनों लेग में कोई व्यक्ति काम करेगा तो 4,05,000 रुपए की इनकम आपको यहां से बन जाएगी। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, इसको करना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहला स्टेप पूरा कर सकते हैं, दूसरा स्टेप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको कीजिए, और चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप पूरा करने के बाद आपको यहाँ पर 8 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हैं। अब इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, या फिर ये रेगुलर स्टेपिंग को हम कैसे रख पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर हमने बना ली तो रेगुलर कैसे रख पाएंगे, उसके लिए आपको एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है, और अगर ये रिपोर्टिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपने एक सिस्टम बना लिया और इसके आधार पर अगर आपने अपने नेटवर्क में डुप्लीकेशन कर लिया तो ये रेगुलर आपकी कैपिंग हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो सकती है, हमेशा आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। आप यहाँ पर हैं और आपने टॉप 20 की लिस्ट बनाई, आपने फिर वो टॉप 20 के 20-20 की लिस्ट बनाई, और ये प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। अब ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि आपके पास में जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप इन 20 लोगों को, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके साथ मॉनिटरिंग करें, आप इनके साथ में रिपोर्टिंग करें। अगर ये रिपोर्टिंग देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो आप मॉनिटरिंग करके इनकी रिपोर्टिंग लीजिए। और आपको ये करना है कि जून के महीने में इन्होंने जून के महीने में जो ऑर्डर कर दिया तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। ये 20 लोग हैं जो आपके टॉप 20 हैं और आपने यहाँ जून के महीने में टिक कर लिया कि इनका ऑर्डर हो गया। ऐसे ही करके आपको 20 लोगों के ऑर्डर करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा जुलाई में, तो जुलाई में भी आपको टिक करके इनके ऑर्डर करवाने, ये 20 लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने 6 महीने का बनाया,
छह महीने बाद ऑटोमेटिकली ये डुप्लीकेशन का आ जाएगा, ज्यादातर लोग करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको चेक भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे प्रक्रिया आपके लिए लागू हो रही है वैसे ही आपके आने वाले ये टॉप 20 के लिए लागू होती है। ये भी इसी चार्ट के थ्रू अपने टॉप 20 से रिपोर्टिंग लेंगे, ये भी अपने टॉप 20 से रिपोर्टिंग लेंगे। तो इस तरह से 400 लोगों की रिपोर्टिंग इन 20 लोगों के माध्यम से आपके पास आ जाएगी। वो जो 400 लोग हैं वो अगर थोड़ा सा भी सहारा लगेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ नहीं था, वहां अगर तीन तीन लोग भी साथ में आ रहे थे तो आप कैपिंग पे जा रहे थे, तो यहां अगर आपने चलाना टॉप 20 का ही है लेकिन आपकी कैपिंग कितना फास्ट आ जाएगी उसके लिए किया है, तो ये चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर इनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर ले सकते हैं। और अगर ऐसा हमने कर लिया तो आपके साथ में रेगुलर 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग आ सकती है। आप लोग बहुत जल्दी कैपिंग पे जा सकते हैं क्योंकि आप लोग एग्जिस्टिंग नेटवर्क आपके पास में ऑलरेडी एक बड़ी टीम है, लेकिन जिनके पास में छोटी टीम है, जिनके पास में छोटी टीम है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। और एक खास बात जो यहाँ पर रहती है वो खास बात को हमें समझना है कि यहाँ जैसे हमने पहले जून में जितना काम किया उतना काम हमारा जुलाई में ऑलरेडी होके रखा है। अब जुलाई में जो काम करेंगे वो उसमें ऐड होगा। अगस्त में जून और जुलाई का काम ऑलरेडी हमारे पास है और उसके बाद में हम जुलाई में जो काम करेंगे वो और ऐड हो जाएगा। हर बार इसमें ऐड होता चला जाता है, लगातार ऐड होता चला जाता है और ये बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट परचेज में क्या होता था, आपने इस वीक में जो काम किया वो नेक्स्ट वीक में ऐड नहीं होगा। आपने इस वीक में किसी ने 100 DD भेजे, 100 लोगों की को प्रोडक्ट सेल किया तो 100 लोग इसी वीक में उनका आउट जो हमें कमीशन आना था वो आ गया, नेक्स्ट वीक में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी वजह से काम बढ़ेगा वो एक अलग बात होगी, लेकिन उनकी वजह से और अलग से कोई कमीशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको उनकी वजह से भी कमीशन आता है क्योंकि जो यहाँ जितना उन्होंने परचेज किया था वो यहाँ भी परचेज करने वाले हैं क्योंकि प्रोडक्ट उस तरीके के हैं। तो इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं। किसी को अगर ये चार्ट लगता है कि ये इतना नहीं कर पाएगा तो वो इस चार्ट को भी फॉलो कर सकता है। ये वाला चार्ट है कि एक व्यक्ति पूरे महीने में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों की बात कर रहे हैं, केवल 5 लोगों को वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए उसको प्लान दिखाए, फॉलोअप करे और समझाए, उसको इसका महत्व बताए, इसके फायदे बताए। केवल 5 लोगों को इस बात के लिए एग्री करके और अपनी कोर लिस्ट में ले लेता है तो 5 लोगों के आधार पर आपका ये कमीशन बनेगा 2500 और यहाँ दोनों लेग में अगर कोई काम करता है तो 1250। दूसरे महीने में इस चीज को रिपीट करना है, 5 लोगों के साथ में 5-5 लोग उनकी लिस्ट बनवानी है, उनको सिर्फ 5 की जिम्मेदारी देनी है तो टोटल लोग यहाँ पर 5-25 होंगे। 5 ऑलरेडी आपके पास पहले से थे तो टोटल 30 हो गए और इस आधार पर इनकम देखते हैं तो ये होगा। इस प्रक्रिया को अगर हम 5 महीने दोहराते हैं तो 5 महीने में व्यक्ति यहाँ पर कैपिंग पर पहुंच जाता है। यहाँ पर व्यक्ति चाहे तो 2 व्यक्ति महीने में भी जा सकता है, 2 महीने में भी जा सकता है, 3 महीने में भी जा सकता है। जितने टाइम में इन 3 स्टेप को पूरा करेगा वो कैपिंग पे जा सकता है। अगर इसको महीने के हिसाब से पूरा करेगा तो इसे महीने में जा सकता है, वीक के हिसाब से पूरा करेगा वीक में भी कैपिंग पे जा सकता है। और यदि इसको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आप ये बोल सकते हैं नए बंदे के लिए कि इतना लोग कहां से आएंगे, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी लोग हैं, उन तक पहुंच बनानी है। और आज की डेट में आप घर बैठे ही आप हर व्यक्ति से इंडिया के कोने कोने में पहुंच बना सकते हैं, उनकी मीटिंग कर सकते हैं, एक दिन में ही आप 10-10 मीटिंग कर सकते हैं, 12-12 मीटिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये 5 महीने में आप यहाँ पर 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पे आप जा सकते हैं। एक चार्ट ये है आपके पास, एक चार्ट ये है। लेकिन अब आपको लगेगा साहब ये तो एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जो हमारे एमरल्ड है, रूबी है, इवन टोपाज भी है, डायमंड है, उनके लिए तो ये चार्ट काम कर सकता है, लेकिन जो नया व्यक्ति होगा उसके पास में ऐसा कुछ कैसे होगा। एक चार्ट इसके साथ में मैं और भी दिखाना चाहूंगा, मैंने एक्चुअली माइंड हमारा एक्सेप्ट कर ली इस बात के लिए, थोड़ी सी बात की है कि यहाँ पर मैंने 100 बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के चला हूँ, अगर यहाँ 50 बिजनेस वॉल्यूम भी रहेगा तो भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो भी आपको 5 महीने के अंदर अंदर कैपिंग आ रही है। यहाँ पर भी 5 महीने में कैपिंग थी और यहाँ पर भी आपकी 5 महीने के अंदर कैपिंग आ रही है। दोनों साइड में अगर हम काम करते हैं तो उसको 6वां महीना लगेगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर सीनियर लोग हैं अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैक्सिमम 3 से 5 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति यहाँ पर कैपिंग पे जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी नेटवर्क इतना बड़ा है। लेकिन इसके बाद अब बात आएगी कि अभी जो हमारे नए लोग आने वाले हैं जिनके पास में ऑलरेडी नेटवर्क नहीं है तो वो लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे, या जिनके पास में टीम कम है, हमारा सिल्वर बंदा है, हमारा गोल्ड है, या हमारा फ्रेशर है, या सिल्वर स्टार है, ऐसे करके जो लोग हैं, जो लोग जिनके पास टीम कम है तो वो लोग कैसे करेंगे, तो उनके लिए ये चार्ट काम कर सकता है कि अगर पहले 1 महीने में कोई भी व्यक्ति को अगर बोला जाए कि 2 लोगों को वो यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए यूजर बना ले, 2 लोगों को तो बना ही सकता है कोई व्यक्ति, जैसे जैसे 2 लोगों को बनाएगा, 2 लोगों को यहाँ पर 100% यूजर करने के लिए उसने मोटिवेट किया और उसने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया।
अगर इस आधार पर देखेंगे तो दूसरे महीने में फिर दो के साथ में दो दो लोग आएंगे, 4, 8, 16 ऐसे करके, ये चार्ट पहले भी आप लोगों को जानकारी है, फर्स्ट परचेज में दिखाते थे। तो ये हम रीपरचेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ 11 महीने के अंदर अंदर उसको 8 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी उस व्यक्ति को जो कि अपनी एक साइड में काम करेगा। लेकिन जो दोनों साइड में काम करेगा अगर नया व्यक्ति है तो उसको 12 महीने में वो 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पर जा सकता है, 12 महीने में 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग पर जा सकता है। अगर इसको और किसी को उसका माइंड सेट करना है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आज अगर हमारी बिजनेस में आ रहा है और अगर उसको एक साल के अंदर अंदर 8 लाख रुपए महीने की तो बात बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अगर उसको 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाने के लिए भी बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए और हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसमें आप यहाँ पर देखिए कि ये 10,23,750 रुपए की इनकम बनती है, अगर इसका 10% भी होता है तो 1 लाख रुपए की इनकम बनती है। तो जो व्यक्ति आज हमारे साथ में फ्रेशर ज्वाइन करेगा, आज जिसको आप ज्वाइन कराने वाले हैं, उस व्यक्ति को आप ये भी बता सकते हैं कि एक साल के अंदर वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकता है। आप 8 की मत बताइए तो भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे वो जा सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग कई साल से काम कर रहे हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे नहीं पहुंचे हैं किसी कारण से, लेकिन ये प्लानिंग करके काम करें, इसको फॉलो करना, पेपर पे दिखाना थोड़ा आसान होता है लेकिन फॉलो करने में थोड़ा मेहनत लगती है, इसको अप्लाई करने में थोड़ा मेहनत लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि अप्लाई करने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति इसके प्रति कमिटेड हो जाए, अगर इसके प्रति थोड़ा सा किसी के प्रति जवाबदेही भी हो जाए तो इसको बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि टॉप 20 की लिस्ट बनाना, फिर उनकी 2020 की लिस्ट बनाना और इसको इस तरह से रिपोर्टिंग करना और प्रॉपर उनके मंथली यहाँ पर ऑर्डर कराना, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना इसको प्रॉपर इसको मेंटेन किया जा सकता है और ऐसा बहुत सारे लोग करेंगे। ये एक प्लानिंग थी और इसके साथ में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अब आपको फैसला करना है कि क्या करना है। रीपरचेज की बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी महान सेफ्स ऑफ कंपनी को, सभी डायरेक्टर्स को और अपने सभी सीनियर्स को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और जब हमारे साथ में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो जुड़ते ही उसके दो सपने जरूर होते हैं। एक तो सपना ये होता है कि वो व्यक्ति हर हालत में, चाहे उसकी एक की भी टीम नहीं है, लेकिन वो डायमंड बनना चाहता है, जल्दी से जल्दी डायमंड बनना चाहता है। दूसरा, जब वो व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन कर लेता है और जब वो टारगेट की लिस्ट देखता है, कंपनी ने जो टारगेट दिया हुआ होता है उसको भी जरूर फाइट करना चाहता है, उसके सपने होते हैं कि वो दुनिया की सैर करे, दुनिया में विदेशों में घूमे। तो ये दो चीजों को बहुत आसान तरीके से और हम कम से कम समय में, बहुत कम से कम टीम पे कैसे हम डायमंड बन सकते हैं, कैसे हम टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच में मेरे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि वो इसको आगे के लिए कंडक्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। माधव सर आप म्यूट हैं, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजयपाल जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आज के दिन के लिए हमारी ग्रेट कंपनी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेफ सॉप को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से एक से अनेक का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और इस सेशन के माध्यम से पूरे भारत में हम सभी लोग अपनी इनकम को जस्ट डबल कर सकें, अपने अचीवमेंट को जल्दी से हासिल कर सकें और कैसे हम डबल इनकम लेकर के और अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स ने रीपर्चेज को लॉन्च कर दिया। इसके लिए मैं हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले रीपर्चेज को लेकर के हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी ने और हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी ने और हमारे साथी विजयपाल जी ने बहुत अच्छे से सारे टेक्निकली सारी चीजों को बताया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हमारे सभी साथियों को। तो आज के सेशन में मोर देन करीब 1000 डायमंड्स जो हमारे साथ में थे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी भी आप पेशेंसफुली सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं और सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इतने पेशेंस के लिए। और मैं सभी सीनियर लीडर्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, संजय कटोच सर का, हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला सर का, राजीव चतुर्वेदी सर का, सुनील बांस सर का, ओम प्रकाश सर का
और बाकी सारे हमारे सभी सीनियर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं कुछ देर आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा पावर ऑफ रीपर्चेस को लेकर के। और स्लाइड दिखाई दे रही है विजयपाल जी? यस यस, पावर ऑफ रीपर्चेस। तो रीपर्चेस के बारे में अभी तक हमने पिछले एक डेढ़ घंटे में काफी कुछ समझा सीखा है और जाना है, और आप लोग अचीवमेंट ले रहे हैं तो अचीवमेंट लेकर के भी आपने पिछले चार वीक में बहुत कुछ सीखा समझा और जाना है। रीपर्चेस के माध्यम से मुझे जो लगता है वो अगले 10 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा कि रीपर्चेस से कैसे हम अपनी इनकम को न बल्कि डबल कर सकते हैं, बल्कि अपने अवार्ड और रिवार्ड को भी बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप 100 कंपनीज की बात करें या टॉप 100 अचीवर्स की बात करें, तो उनके बारे में जब डिटेल में जाएंगे और उनको समझेंगे उनके बारे में, वर्किंग वे के बारे में, उन कंपनीज के बारे में और उन अचीवर्स के बारे में, तो सभी लोग रीपर्चेस के माध्यम से या रिटेल के कंसेप्ट को अपना करके ही बहुत बड़े मिलेनियर बने हैं। दे आर लीडिंग इन द कंट्री, दे आर लीडिंग इन द इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, वो लोग कंपनियों में लीड कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी छाप बनाई है, अपने आप को बिल्ड किया है। टॉप अचीवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, तो वो आज मिलेनियर हैं और बहुत बड़े अवार्ड रिवार्ड को उन्होंने हासिल करके दिखाया है। तो उनको इतने सारे अचीवमेंट लेने का मात्र 30 साल में, 40 साल में, 25 साल में वो अपने ओन चार्टर्ड प्लेन तक अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो रिटेल में काम करते हैं और रिटेल में काम करने की वजह से वो मिलेनियर बन चुके हैं इसी इंडस्ट्री की बदौलत। और मैं थैंक गॉड और थैंक्स टू अवर ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर्स, उन्होंने हमको भी एक ऐसा मौका दे दिया जहां से रातों रात एकदम से अचानक से मैं देखता हूं कि 31 दिसंबर 2019 को माधव की आईडी पर चेक होता है, वही है लेवल क्राउन एम्बेसडर ही है, लेवल क्राउन एम्बेसडर है 31 दिसंबर 2019 को। टीम भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बाद 7 जनवरी 2020 को माधव की आईडी पर चेक होता है 4 लाख। मैंने ऐसा क्या कर लिया? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कंपनी ने किया, और सारा का सारा जो कमाल हुआ वो इस रीपर्चेस प्लान की वजह से हो पाया कि हम इसकी इनकम से अपने आप को जस्ट डबल करके और अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। हम सभी का सपना, हम तो यहाँ पर डायमंड है, खैर हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हमारे लिए और आप सभी के लिए आगे का नेक्स्ट टास्क लिख दिया है क्राउन एम्बेसडर का। तो मैं लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ, जो हर आदमी बिजनेस में आता है वो डायमंड बनने का सपना लेकर के आता है, हर आदमी का ख्वाब होता है। किसी से भी पूछोगे वो रूबी नहीं बनना चाहता, रूबी बनने से भी पैसा आता है। वो इमराल्ड नहीं बनना चाहता, इमराल्ड बनने से भी पैसा आता है। वो डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ एक ही चीज एक बनना चाहता है, वो डायमंड बनना चाहता है, बनना चाहता हूं। तो डायमंड बनने का सपना है, लेकिन क्यों होता है डायमंड बनने का सपना? डायमंड बनने के सपने के अंदर छुपा क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो डायमंड बनना चाहता है? ऐसी कौन सी चीज है जो डायमंड बनने के लिए उसको प्रेरित करती है? तो हम देखते हैं, हर आदमी जो इस बिजनेस में आता है वो सपनों को पूरा करने के लिए आता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए आता है। जो मैं देखता हूं कि नौकरी पैसा जो लोग हैं या कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, तो जहां से पॉसिबल नहीं है उसके ड्रीम्स पूरे हो पाना, वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में एंट्री लेता है। तो उसके पास नौकरी से सपना पूरा नहीं हो पाता, तो वो चाहता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से वो अपने सपने को पूरा कर पाए। वो अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, हमें से भी बहुत सारे डायमंड होंगे जो इस सपने को पूरा करना चाहते होंगे अगले 1 साल में, 2021 में, 2022 में। और हम रीपर्चेस की बदौलत, मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे डायमंड का भी ड्रीम अभी भी अधूरा होगा, ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं अगले 2 साल में, अगर एक साल के अंदर। बहुत सारे लोगों का सपना होता है जो अभी भी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ी को चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी जीवन की पहली कार खरीदी है, लेकिन अभी अगली कार को चेंज करना चाहते हैं। तो जीवन में एक सपनों की कार लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड हो, आपके अपने जो दिल को धड़काता हो वो ब्रांड आप लेना भी चाहते हैं। डायमंड बनने के पीछे या डायमंड से आगे का क्राउन बनने के पीछे सिर्फ ये एक मकसद होता है कि वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए, अपने सपने को पूरा कर पाए, वो देश विदेश की यात्रा कर पाए, टारगेट क्वालिफाई करे, लंदन क्वालिफाई करे और लंदन जाकर के अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। डायमंड बनने के पीछे ये कुछ चीजें छुपी रहती हैं, हिडन रहती हैं, इसलिए वो इनको हासिल करना चाहता है। और आदमी जीवन में एप्रिसिएशन चाहता है, एप्रिसिएशन चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही क्यों ना मिले, हर आदमी जीवन में कहीं से भी कैसे भी करके और एप्रिसिएशन चाहता है। और हर तरह का एप्रिसिएशन दिलाने का मादा रखती है हमारी ग्रेट कंपनी सेफसॉफ्ट, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपको इतना ताकत देती है, आपका वजूद इतना बना देती है कि डिपार्टमेंट भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है।
आपके इनकम टैक्स पे करने के लिए आपकी इनकम इतनी बढ़ा देती है कि वहां से आप वहां से भी अप्रिसिएशन का हकदार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग है, व्हाट्स योर प्लान, क्या है प्लानिंग कि ड्रीम हाउस पूरा करने के लिए, ड्रीम घर के अलावा ड्रीम कार का, एप्रिसिएशन का और बाकी सारे अचीवमेंट का, अपनी आईडी पर क्राउन आने का, या नए लोग जो हमारे साथी हैं बिलो डायमंड से अपनी आईडी पर डायमंड लाने के लिए क्या प्लान है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी जो हम फर्स्ट परचेज के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो हम शुरुआत से कर रहे हैं, पिछले 19 साल में जिस प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं, या 19 सालों में काम करने के साथ साथ हम फर्स्ट परचेज के साथ साथ एक और हमारे पास जबरदस्त धमाका है, उसको हम अगर साथ साथ लेके पैरेलल चलते हैं तो हम जीवन में इन अपने बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त अवार्ड को हासिल कर सकते हैं। तो इसका अवार्ड को हासिल करने के लिए हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा डायमंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा डायमंड होंगे हम, ना बल्कि हम खुद भी डायमंड हो, हमारी टीम में राइट लेफ्ट में दोनों तरफ अगर हमारी टीम में भी डायमंड बनते हैं तो हमारी टीम ज्यादा ताकतवर बनती है, ज्यादा हमारी एसेट बनती है। और ये हमें थोड़ा समझना होगा, तो रीपर्चेज हमको एक ऐसा मौका देती है, ये प्लान हमको एक ऐसा मौका देता है जहां से हम अपनी टीम में अपनी आईडी के नीचे बहुत सारे डायमंड्स, आपकी टीम में भी आपकी आईडी पर अगर डायमंड है, डायमंड 50 डायमंड 20 डायमंड मोर देन दिस, इससे भी ज्यादा डायमंड आपकी आईडी के नीचे हो सकते हैं। इस प्लान को अगर आप अपना लेते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मात्र एक साल में आप डायमंड कैसे बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा एक साल में डायमंड बनने के लिए, एक साल में डायमंड बनाने के लिए हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप ने तो हमें ब्रह्मास्त्र दिए हैं, एक गदाधारी और दूसरा चक्रधारी। ये गदाधारी और चक्रधारी का हमें सहारा लेना होगा। हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स ने, सिद्धार्थ सहगल सर ने 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमको ये तोहफा दिया है, ये सौगात दी है, 200 बिजनेस वॉल्यूम जो कि फुल सेल बिजनेस वॉल्यूम माना जाता है, फुल सेल काउंट की जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही जबरदस्त अच्छी खबर है कि हम दो गदाधारी और चक्रधारी के साथ इनका सहयोग लेकर के और पूरे भारत में हम छा सकते हैं, और जो कि फुल सेल बिजनेस वॉल्यूम है, इनका उपयोग करके फुल सेल के बिजनेस का एंट्री लेकर के हम कैसे धमाका कर सकते हैं, आइए अगले 2 मिनट में समझाने जा रहा हूं। आप देखेंगे दो शस्त्र हैं हमारे पास, गदाधारी और चक्रधारी, और इन दो शस्त्र के साथ हमें अब दो इनकम करनी है। पहले हमारी दो लेग थी, एक लंबी हो जाती थी एक छोटी हो जाती थी, एक राइट और एक लेफ्ट। अब हमारी इनकम करने की दो लेग हो चुकी है, एक फर्स्ट परचेज और दूसरी रीपर्चेज, ये दो तरह की इनकम लेग हो चुकी है। अब हमें ये दो शस्त्रों से दोनों इनकम की लेग को स्टार्ट करना है, फर्स्ट परचेज की इनकम को भी लेना है साथ साथ, और दूसरी इनकम को यानी रीपर्चेज की इनकम को भी साथ साथ हमें लेना है। और इसके लिए हमारी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जो हमारी टीम बन रही है, आप आईडी, आपकी आईडी पे डायमंड शो कर रहा है, तो डायमंड बनते बनते आपने जो टीम बनाई है उसमें 20% लोग आपके साथ एक्टिव हैं, उन एक्टिव लोगों को रीपर्चेज पर डाल करके हम एडिशनल इनकम, सेकंड लैग इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, आइए। तो और इनको लेकर के अपनी रफ्तार को टेक ऑफ कर सकते हैं, अपने सपनों की उड़ान को टेक ऑफ दे सकते हैं, अपने ड्रीम्स को टेक ऑफ दे सकते हैं, अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक साल में डायमंड बन सकते हैं हम, अपनी टीम में डायमंड क्रिएट कर सकते हैं। बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, डायमंड है आप लोग, 1000 डायमंड लीडर्स हैं, डायमंड लीडर्स ने मतलब एक साल में डायमंड बनने के लिए शायद आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक साल में आपकी टीम में, आपकी छोटी वाली लेग में, इनकम लेग में डायमंड क्रिएट करोगे आप, देखिए कैसे कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारी सेफ शॉप ने जो प्लान दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली डायमंड बनने के लिए हमको 10,000 सेल चाहिए, राइट, 10,000 सेल चाहिए, वो भी फुल सेल बिजनेस वॉल्यूम, यानी एक सेल का, एक सेल इक्वल टू 200 बिजनेस वॉल्यूम, एक सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ रहती है, तो इस तरह की हमको 10,000 सेल चाहिए तो हमारी आईडी पर डायमंड शो करता है। और इसको हम समझते हैं, ये फर्स्ट परचेज के लिए मैंने आपको बताया, न्यू सेल्स को करते हैं, 10,000 सेल्स को लेके आते हैं अपनी टीम में 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, तो हमारी आईडी पर डायमंड आता है न्यू सेल्स के साथ में। इसको एक स्टेप और आगे देखते हैं, डायमंड बनना बहुत आसान हुआ कैसे, फर्स्ट सेल के अलावा हमने किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, संपूर्ण हनुमान के साथ या भगवत गीता के साथ इस बिजनेस में एंट्री दिलाई, उन्होंने इस प्रोडक्ट को लिया, इस भगवत गीता को लिया, धार्मिक ग्रंथ को लिया, और लेने के साथ उनसे टोटल बिजनेस वॉल्यूम को कितना मिला, 200। तो न्यू सेल हमने 200 बिजनेस वॉल्यूम से की, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये बात दिमाग में क्लिक कर गई तो देखना बहुत धमाका होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और समझ में आए तो नोट करते रहिएगा, बहुत ध्यान से तो समझने की बात है। हमने, मैं रिपीट करूंगा बार बार, एक बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ फर्स्ट सेल को हमने बिजनेस में एंट्री ली, एक व्यक्ति को हमारी
व्यक्ति में टोटल एक व्यक्ति आया, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 200 हुआ हमारे साथ में, और उस व्यक्ति को हमने इस बिजनेस के लिए संपूर्ण हनुमान से उन्होंने एंट्री ली या भगवत गीता से उन्होंने एंट्री ली, फुल सेल बिजनेस से उन्होंने एंट्री ली। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट का महत्व बताया उनको, तो उनको बताया कि आप बाथरूम के प्रोडक्ट यहीं से यूज करिए, ब्यूटी प्रोडक्ट यहीं से यूज करिए, किचन के प्रोडक्ट यहीं से यूज करिए, हेल्थ प्रोडक्ट भी यहीं से यूज करिए। और उसको प्रतिमाह, जो कि संजय जैन सर ने बताया कोर का 11वां पॉइंट, 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रतिमाह, उसी व्यक्ति को प्रतिमाह उसी व्यक्ति को 100 बिजनेस वॉल्यूम का रिपर्चेस कराने के लिए हमने प्रमोट कर लिया उसी व्यक्ति को। और ऐसा हमने अगले 8 माह तक कराया और कोर क्वालिफाई कराया अगले 8 माह तक। तो मैं दोबारा से जानना चाहूंगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमने नई एंट्री ली थी उस सज्जन की, और उस व्यक्ति को 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह करा करके अगले 8 माह तक कराया। तो हमने एक व्यक्ति से टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आइए देखते हैं, टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ 200 बिजनेस वॉल्यूम जो कि फर्स्ट परचेज से लिया था हमने, और 800 बिजनेस वॉल्यूम अगले 8 महीने में 100 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह के हिसाब से। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम बनता है 1000 एक व्यक्ति से, एक पर्सन से। पहले हम लोग डायमंड बनने के लिए 10,000 व्यक्ति लेके आते थे और एक व्यक्ति से 200 बिजनेस वॉल्यूम लेते थे। अब हम क्या करेंगे, एक साल के अंदर अंदर ही 9 महीने में एक व्यक्ति से हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेंगे। 200 बिजनेस वॉल्यूम से हमने एंट्री ली, अगर हमने 100 बिजनेस वॉल्यूम से उनको ज्वाइन कराया, स्टार्ट कराया सेल, तो अगले 9 माह तक 100 बिजनेस वॉल्यूम से 900 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके टोटल 1000 हम कर देंगे। यानी एक साल के अंदर एक व्यक्ति से हमने 1000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, यानी एक व्यक्ति से 5 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया। पहले हम एक सेल लेते थे 200 बिजनेस वॉल्यूम, अब हम एक व्यक्ति से ले रहे हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी हमने 5 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम लिया। और 5 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम लिया तो डायमंड बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 200 बिजनेस वॉल्यूम से डायमंड क्वालिफिकेशन है 10,000 सेल। और अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से डायमंड क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 गुना बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो निकल के आता है मात्र 2000 सेल, मात्र 2000 सेल। डायमंड क्वालिफिकेशन इज ओनली 2000%, 1000 लेफ्ट में और 1000 राइट में सेल करके हम अपनी आईडी पर डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अपनी आईडी पर डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। रिपीट करने जा रहा हूं, हमने फर्स्ट सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम से लिया और 100 बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस करा के अगले 8 माह तक 800 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, टोटल 1000 बिजनेस वॉल्यूम लिया, 5 गुना ज्यादा काम किया। तो जितना काम हम पहले 10,000 लोगों से कराते थे, उतना काम मात्र 2000 लोगों से करा के हर बार नई सेल, नए लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को अपना के वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोगों ने मतलब मिलेनियर बन चुके हैं, और अब सेफसॉफ्ट के एडवाइजर भी कम टीम पर अब धमाका करेंगे, डायमंडों की बाढ़ लाएंगे और फैक्ट्री बना देंगे सेफसॉफ्ट को, डायमंड अचीवर क्रिएट करने वाली। 1000 राइट में, 1000 राइट में और 1000 लेफ्ट में, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले बिजनेस वॉल्यूम 200 था, अभी 1000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 5 गुना, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 5 बराबर इक्वल टू 2000 सेल्स ओनली। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको मात्र 2000 की टीम पर डायमंड बनने के लिए। और बहुत सारे लोग तो एक ही लेग को स्टार्ट करते हैं, एक ही लेग को चलाते हैं, एक लेग चल जाती है लंबी, उस लेग में जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, मात्र 1000 सेल करके भी आप अपने आईडी पर डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। पावर ऑफ रीपर्चेस, एक व्यक्ति से 5 गुना बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा, डायमंड मात्र 1 साल में आप बनाएंगे, डायमंड बनकर जल्दी सपने पूरे करेंगे आप। लगातार रीपर्चेस करने से कंपनी के लॉयल्टी क्लब में शामिल होंगे, लॉयल्टी क्लब में शामिल होंगे, लॉयल्टी बेच के आप हकदार बनेंगे, 100% यूजर बनने में भी आपको सपोर्ट मिलेगी, सही राइट डुप्लीकेशन होगा और टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए इस पॉइंट को समझते हैं, टारगेट करना कैसे आसान हो जाएगा। पावर ऑफ रीपर्चेस, टारगेट जीतना अब और हुआ बहुत ज्यादा आसान। कैसे समझते हैं, हर एक व्यक्ति की आईडी पर लेवल शो करता है, चाहे तो फ्रेशर शो करता है, चाहे तो डायमंड शो करता है, और फ्रेशर या डायमंड कोई भी आपका लेवल शो करता है, तो उसके लिए कंपनी ने निर्धारित किए हैं बिजनेस वॉल्यूम, मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित किया है। तो हाउ कैन वी हिट अवर टारगेट, आइए समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है डायमंड का, क्योंकि इस मीटिंग में 853 डायमंड लीडर्स हैं, तो डायमंड क्लब का ही मैंने एग्जांपल लिया है। डायमंड पिन के लिए हमारे ग्रेट सिद्धार्थ सर ने 2,20,000 बिजनेस वॉल्यूम निर्धारित किया है, राइट में और लेफ्ट में। तो हम आइए इसको समझते हैं, डायमंड लेवल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 2,20,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 200 बिजनेस वॉल्यूम यानी एक फुल सेल, मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1100 बिजनेस फुल सेल्स हमारी निकल के आती है। 1100 फुल सेल्स अगर हम करते हैं, फुल सेल्स 200 बिजनेस वॉल्यूम से, तो हमारा टारगेट लंदन का क्वालिफाई हो जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं,
एवरी मंथ रीपर्चेज तकरीबन 3 महीने के लिए हमें टारगेट ड्यूरेशन मिलता है हर बार। तो एवरी मंथ रीपर्चेज अगर हम 100 बिजनेस वॉल्यूम से प्रति माह अपने साथी को, एडवाइजर को, टीम के साथी को रीपर्चेज भी करा देते हैं तो क्या होगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम से उसने एंट्री ली और 100 बिजनेस वॉल्यूम 3 माह तक कर लिया, तो 3 मंथ में टारगेट ड्यूरेशन करीब 3 महीने का है, तो क्या होगा, ईच पर्सन टोटल बिजनेस वॉल्यूम 200 फर्स्ट एंट्री वाला और 300 3 महीने में 100 बिजनेस वॉल्यूम करके क्रिएट किया हुआ, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, 500 बिजनेस वॉल्यूम एक व्यक्ति से। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम से टारगेट रिक्वायर्ड था 1100 सेल्स, अब उसको डिवाइड करेंगे 220,000 को 500 बिजनेस वॉल्यूम से तो मात्र निकल के आता है 440 सेल्स। जहां 1100 फुल सेल चाहिए थी लंदन टारगेट के लिए डायमंड को, वो मात्र 440 सेल करके ही लंदन क्वालिफाई कर सकता है और लंदन का सपना अपना पूरा कर सकता है। 440 सेल्स तकरीबन 3 महीने, तकरीबन कंपनी हमको 15 वीक का टाइम देती है टारगेट हिट करने के लिए। कंपनी से अप्रोक्स अब तक जो देखा है 15 वीक्स मिल, तो 15 वीक में 440 सेल है तो दोस्त 15 वीक से डिवाइड कर देते हैं तो 30 सेल्स निकल के आ रही है मात्र वीकली, 30 सेल्स वीकली निकल के आती हैं लंदन टारगेट के लिए और एक डायमंड लेवल के लिए 30 सेल्स निकल के आ रही हैं लंदन टारगेट क्वालिफाई करने के लिए। इसको बिजनेस वॉल्यूम में काउंट करोगे तो 30 × 200 मात्र 6000 बिजनेस वॉल्यूम है आपकी छोटी वाली लेग में, इनकम लेग में, वहां से आप लंदन टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं और डायमंड बन के और डायमंड लेवल पर लंदन जाकर के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मिशन 1000 का चेक चलाना होगा हमको, एक काम और करना होगा नीचे लेवल पर। कई लोग लग रहा होगा ये कैलकुलेशन दिखाना आसान है, सचमुच में नहीं चलता, सचमुच में चलता है, क्यों नहीं चलता है, चल रहा है, कर रहे हैं लोग, चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। मिशन 1000 का चेक, जितने ज्यादा लोगों का चेक बनेगा उतना ज्यादा बिजनेस आपका मजबूत बनेगा। तो नीचे के लेवल के लोगों को कोशिश करिए, जितने भी लोग जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं, डिजिटली इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी के लिए प्रयास करिए कि उनका चेक बने, चाहे 500 का ही बने लेकिन 500 रुपए के चेक के लिए उनको प्रेरित करिए। जिनका चेक 500 रुपए का बन रहा है उनको 1000 के चेक के लिए प्रेरित करिए, और जिनका 500 या 1000 का चेक कैसे बनेगा ये बात भी समझाना है और उनका सहयोग भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है। मिशन 1000 का चेक चलाया तो नीचे से बुनियाद मजबूत होकर के आएगी और उनको प्रेरणा मिलेगी, उत्साहित होंगे, जोश में होंगे और हमारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ आपको, ग्रुप से मैंने उठाए हैं, पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है। तो एक ये व्यक्ति है कोई SSS निशांत 00019 लोगाडिये, तो इन्होंने 1000 का इनका 115 रुपए फर्स्ट सेल से बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हुआ, 115 रुपए इन्होंने पैसा कमाया फर्स्ट सेल से, मेन बिजनेस से। लेकिन देखेंगे रीपर्चेस से इन्होंने 1000 रुपए का कमीशन प्राप्त किया है, तो टोटल मिला के इनका जो कमीशन है वो 1711 रुपए कमीशन का बना है। तो मतलब जहां पर इनकी जो मेन बिजनेस है वहां पर इतना पैसा नहीं मिल रहा है इनको, लेकिन रीपर्चेस से इन्होंने करके और अपने चेक को इतना ज्यादा बाउंस कर दिया या इतना ज्यादा बढ़ा दिया। हम देखेंगे एक महिला है और इनकी लोग आईडिया शो कर रही है, तो हम देखेंगे इनका भी 1000 रुपए का रीपर्चेस से इनका इनकम है और टोटल मिलाकर तकरीबन 1380 रुपए का इनका चेक बना है। तो देखेंगे रीपर्चेस चेक को कितना ज्यादा जम करा देता है, आपके सामने कुछ उदाहरण आप देख पा रहे हैं। एक और है SSS शीला 1992, तो आप देखेंगे इनका जो 2435 रुपए का मेन चेक है और रीपर्चेस को प्रमोट करने की वजह से 1115 रुपए इनको रीपर्चेस से मिला है, तो टोटल इनके चेक को जंप करा दिया और 4000 से क्रॉस करा दिया, तो रीपर्चेस की ताकत है। आप और देखेंगे ये हमारे साथी हैं टाइगर हैं, तो 59,275 का इनका चेक है लेकिन इन्होंने रीपर्चेस को प्रमोट करने की वजह से इनका चेक 72,000 को क्रॉस कर गया, अप्रॉक्स 73,000 है। तो ये सपोर्ट, ये सहयोग मिलता है आपके, जो लोग अभी मेन परचेज में फर्स्ट परचेज में भी कैंपिंग को अचीव नहीं कर पाए हैं, सपोज 1-1.5 लाख का आपका चेक रहता है, बाकी 60-70-80 हजार रुपए आप रीपर्चेस करके 2 लाख वहीं से अचीव कर सकते हो, 2 लाख का टेस्ट ले सकते हो आप। तो जो लोग फर्स्ट कैंपिंग भी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट कैंपिंग भी आप जल्दी से अचीव कर सकते हो। एक और साथी है हमारे, ये देखो इनको कैंपिंग पूरी नहीं मिल पाई है, तो 1,91,255 रुपए का इनका चेक बना, तो फर्स्ट परचेज में कैंपिंग नहीं ले पाए लेकिन इन्होंने साथ साथ रीपर्चेज प्रमोट किया, तो रीपर्चेज प्रमोट करने की वजह से 17,790 इनको रीपर्चेज में मिला, तो टोटल इनकी कैपिंग को भी क्रॉस कर गया चेक, 2 लाख से भी ज्यादा, 2,09,000 से ज्यादा क्रॉस कर गया चेक। तो ये रीपर्चेज की पावर है, रीपर्चेज की पावर ये है, अगर रीपर्चेज नहीं करोगे तो आपकी आईडी में 2 लाख दिखता है, और रिटेल करते हो रीपर्चेज करते हो तो कंपनी अगर 7 लाख का मौका देती है तो आपकी आईडी में 7 लाख का भी चेक होता है, महीने में 20 लाख टोटल हो जाता है, और अगर आपको कंपनी 4 लाख का मौका देती है तो आपकी आईडी में 4 लाख का चेक होना शुरू हो जाता है।
इनिशिएट लीडर को करना पड़ता है, लीडर को शुरुआत करनी पड़ती है। जहां जहां आप चलोगे टीम आपकी वहीं चलना शुरू कर देती है। इसलिए आपकी लॉग आईडी आज 5 जून 2020 है, 5 जून 2020 आपको डेट यहां दिखाई दे रही है, उस लॉग आईडी पर आपको 4 लाख रुपए का चेक दिखाई दे रहा है। तो ये 4 लाख रुपए आज की डेट में 4 लाख रुपए का चेक सिर्फ रीपर्चेज की ताकत की बदौलत है। अगर रीपर्चेज को अगर आप प्रमोट करते हैं तो सिर्फ 2 लाख कमाने के बजाय आपका चेक 2 लाख से ऊपर, थोड़ा ऊपर करते 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 और आप कैपिंग को पहुंच जाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है 1000 डायमंड क्लब है और ये रीपर्चेज का मीटर तान देंगे और अपने चेक को जस्ट डबल करके और बहुत जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा हासिल करेंगे। रीपर्चेज की एक और ताकत दिखाना चाहूंगा, आप समय से पहले टारगेट अचीव कर सकते हैं। लंदन टारगेट है क्राउन एम्बेसडर लेवल के लिए 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए मिनिमम। तो आप देखोगे, और ये मैंने करंट का नहीं दिखाया है, ये एक महीने भर पहले का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो बहुत पहले अचीव कर लेते हैं। तो आप देखोगे दोनों का, विजयपाल जी का मेरा लगा हुआ है 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा हम लोगों पहले ही अचीव कर चुके, मोर देन बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले ही इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये रीपर्चेज की पावर है, क्योंकि रीपर्चेज से जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम लेते हो वो आपके टारगेट में भी जुड़ता है, आपकी रिकॉग्निशन में, आपकी प्रमोशन में भी जुड़ता है और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। हमें सेल करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन सेल के साथ साथ रीसेल भी करना है, जिसको हम कहते हैं रीपर्चेज। और रीसेल के साथ उसको फिर हमने क्या करना है, फिर अर्निंग हमारी अपने आप होना शुरू हो जाएगी। ये 3 चीजें हैं, सेल देन रीसेल देन अर्न। लगातार नए नए लोगों को लाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस पर हम बिल्ड करके बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। अनलॉक द डोर टू योर फ्यूचर। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं सभी सीनियर लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे के पूरे डायमंड क्लब को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतना पेशेंसफुली सारी चीजों को ध्यान से सुना। और मैं हमारी ग्रेट कंपनी के ग्रेट महान डायरेक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी सीनियर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस सेशन को समापन करने के लिए हमारे डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ स्क्रीन पर, तो आए और आज के सेशन को समाप्त करें, आज के सेशन को आगे की ओर लेके चलें, क्लोजिंग की ओर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सेफ शॉप, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लॉन्ग मैराथन पावरफुल एंड अमेजिंग ट्रेनिंग। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर संजय जैन, मिस्टर नरसी गरेवाल, Mr. Vijaypal and Mr. Madhav for today's session. They have made everything so easy and crystal clear for everyone. Ab business karna bahut aasan lagne lag jayega. What an amazing training. Sanjay ji, jinhone aaj hame positive mindset, vision aur business techniques, commitment ke bare mein bataya. Very important points and very nicely explained. हम अपने माइंड में जो भी सोचते हैं, अंदर ही अंदर जो भी बोलते हैं, हमारा माइंड भी उसी प्रकार रिएक्ट करता है। हर इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है, और माइंडसेट चेंज करते ही हमारा जीवन भी बदलने लगता है। जैसे कि पहले ट्रेनिंग में हमने सीखा था कि माइंडसेट को बदलना बहुत आसान है। आप किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करें तो आपका माइंड उस आदत को रूटीन बनाकर आसानी से फॉलो करने लग जाता है। साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, अधूरी है। हमारे विचारों पर हमारा अपना नियंत्रण होता है, हमें ही तय करना है कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव। इसलिए हमेशा शानदार सोचें, ऊंचा सोचें, बड़ा सोचें। विजयपाल जी ने हमें स्ट्रेटजी और सिस्टम के बारे में बताया। किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसको सिस्टम से इंप्लीमेंट करना, सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। तभी हम अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और हमें उसके अंदर सक्सेस मिलेगा। माधव जी ने हमें आज पावर ऑफ रिटेल और रीपर्चेज के बारे में बताया। नरसी जी ने हमें अपने सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स यूज करने और सेल करने के लिए मोटिवेट किया। साथियों,
वैसे तो सेफ शॉप शुरू से ही डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से रिटेल प्रोडक्ट्स में कारोबार करती आई है, लेकिन हमने भी अपना माइंडसेट बदला, पॉजिटिव सोचा और स्ट्रेटजी बनाई। हमने सोचा कि कैसे हम अपने डायरेक्ट सेलर्स की अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर एक नई स्ट्रेटजी बनाकर नए चेंज को अल्ट्रा मैट्रिक्स बिजनेस प्लान के रूप में इंप्लीमेंट किया। प्रोडक्ट सेल्स पर वीकली कैपिंग 2 लाख से बढ़कर 13 लाख रुपए हफ्ता हो गई, और नतीजा आप सबके सामने है। हर हफ्ते हम 4 लाख पर वीक की कैपिंग टेस्टिमनीज देख रहे हैं, और ऐसी टेस्टिमनीज हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब हमने जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्ट्रेटजी बनाई उसको इंप्लीमेंट किया, अपनी एग्जिस्टिंग टीम में छुपी हुई रीपर्चेस पावर को पहचाना, उन्हें अपने सेल शॉप प्रोडक्ट्स यूज करने और सेल करने के लिए मोटिवेट किया। इसमें हम सभी लोग मिलकर काफी कामयाब रहे और आगे भी होंगे, और बहुत जल्द हमें 13 लाख रुपए पर वीक की टेस्टिमनी